जो भी साध संगत इस अज दे सत्संग ते पहुंची है, जो भी बार अंदर साध संगत इधर उधर घूम रहे ने, उन्हां दे चरणां च बेनती है उह सत्संग पंडाल दे अंदर आके बैठण दी कृपा करन जी। जो सत्संग दी कारवाई दा समा है उह शुरू है, साध संगत सत्संग पंडाल दे अंदर आके बैठण दी कृपा करन जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अरदास करां अगे तेरे सुन शाम सताना जी मेरे, एक पल बाबा दूर न करना रख चरना दे नेड़े। अरदास कराए अग तेरे जन्मा दा मैं भुलिया हां, काल देश विच रुलिया हां। जन्मा दा मैं भुलिया हां, काल देश विच रुलिया हां। काल दा चक्कर है भारी, इसने त मेरी मत मारी। चक्कर चलांदे इस दे जोर, चलन न देंदे मेरा जोर। खिच खिच के ने दूर ले जांदे प्यार तो मैनू तेरे। अरदास कराए अग तेरे बाबा श्याम सताना जी मेरे, एक पल शहनशाह दूर न करना रख चरना दे नेड़े। अरदास कराए अग तेरे हथ जोड़ अरदास करां, हर वेले तेरे पास रहां। हथ जोड़ अरदास करां, हर वेले तेरे पास रहां। प्यार तेरे नाल भर जोड़ी, खुशियां दी खेड़ां होली। मेरा दा समुंदर तू, बसदा सब दे अंदर तू। इको बस तुसी मेरा सहारा बाबा श्याम सताना जी मेरे। अरदास कराए अग तेरे सुन श्याम सताना जी मेरे, एक पल शहनशाह दूर न करना रख चरना दे नेड़े। अरदास कराए अग तेरे छतरी मेर दितानो जी,
जुगां जुगां दिया जानो जी छतरी मेर दिताणो जी जुगां जुगां दिया जानो जी कर कृपा हुण मेरे ते शरण च लै लो अपनी च बख्शा नहारा इको तू डर तो ना थकी मैनू कावी बन बन हंस ने उठदे सच्चे सौदे डेरे अरदास करां अग तेरे सुन शाह मस्ताना जी मेरे एक पले बाबा दूर न करना रख चरना दे नेड़े अरदास करां अग तेरे फरियादी आवे जो भी भर दें दियो उसकी चोली फरियादी आवे जो भी भर दें दियो उसकी चोली देके खुशियां कर दो विदा सारा जग है देख रहा मैं भी फरियादी हाँ तेरा मेरे ते भी कर दो दया होर कोई ना मेरा सहारा बाबा शाम स्ताना जी मेरे अरदास करां अग तेरे सुन शाम स्ताना जी मेरे एक पल शहनशाह दूर न करना रख चरना दे नेड़े अरदास करां अग तेरे जन्मा दा मैं भुलिया हाँ काल देश विच रुलिया हाँ काल दा चक्कर है पारी इसने त मेरी मत मारी चक्कर चलांदे इस दे जोर चलन न देंदे मेरा जोर तेरे बिना मेरा नहीं सहारा बाबा शाम स्ताना जी मेरे अरदास करां अग तेरे 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समरथ साई जी तेरा ही आसरा मात पिता की सेवा में तन मन धन प्राण लगाना है इन चरणों से मिलेगी मुक्ति ये अनमोल खजाना है मात पिता की सेवा में तन मन धन प्राण खजाना है Thank you.
अपनी मंजिल और न ठोर ठिकाना है, इन चरणों से मिलेगी मुक्ति ये अनमोल खजाना है। माता की सेवा में तन मन धन प्राण लगाना है, इन चरणों से मिलेगी मुक्ति ये अनमोल खजाना है। निष्फल न होगी मन चाहा फल पाना है, इन चरणों से मिलेगी मुक्ति ये अनमोल खजाना है। माता पिता की सेवा तन मन धन प्राण लगाना है, इन चरणों से मिलेगी मुक्ति ये अनमोल खजाना है। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, ए शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, ए शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, जी बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत वेले विच तेरा नाम अचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच एह जीवन गुजारा मैं, उस अमृत सरोवर विच तेरे टुबिया मारा मैं, मैल जुगा जुगा दी जोए उन मल मल तारा मैं, चढ़े सरूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, ए शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा दस्तूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक।
संगत जावा मैं सतसंग विच जाके ते यश सुना ते गावा मैं फिर तूड़ तेरी संगता दी मते ते लावा मैं मैनू हर ता दिसदा रहे तेरा ही नूर नानक के बन जाए जिंदगी दा दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक ए शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा दूर नानक सिखिया तेरी बाणी दी मेरे दिल विच वस जावे एना वचना दा तीर मेरे सीने विच तस जावे मन भुलिया पटके नू एह रसता दस जावे किस साधु दी रसना विच तेरा नाम रस जावे मैं पानी टोवा पड़ी उसदा मजदूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक जी बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक ए शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक ए पिंडी रैनड़िए ओ चमकण तारे जो ए जागण संत जना तेरे राम प्यारे जो ए पिन्ने रैनड़िए ए चमकण तारे जो ए जागण संत जना तेरे राम प्यारे जो इन चंद दिया रिश्मा विच तेरे करन दीदारे जो मैनू ना दसंग बख्शो अन तेरे प्यारे जो ओ ना विच वसदा रहे तेरा ही हूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक ए शीश झुकावा मैं तेरे हजूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक वचना दिल सिखिया एह जीवन बनावा मैं तस्वीर तेरी हर दम विच दिल दे वसावा मैं तेरे वचना दिल सिखिया एह जीवन बनावा मैं
तस्वीर तेरी हर दम विच दिल दे वसावां मैं। तेरे गीत ही प्यारा दे हर दम ही गावां मैं, तैके तेरे चरना ते फुल्लां बख्शावां मैं। अत बन के अर्ज करा ते बख्शो कसूर नानक, जे बन जाए जिंदगी दा दस्तूर नानक, के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। धन सतगुरु, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, जे बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर दस्तूर नानक, जी बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जंगल में मंगल करने वाले राम तेरा ही आसरा, पूज्य परम संत बाबा नजर साहब जी तेरा ही आसरा, पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा, पूज्य परम संत बाबा शारदवीर जी, हर जगह सबरत साईं जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन बाबा श्याम अस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। सारी सात संगत नूं बेनती है जी अपनी अपनी जगह ते बैठ जाण जी। द्वारा फिर बेनती है जी सारे नूं अपनी अपनी जगह ते बैठ जाण। धन धन सतगुरु, हाजर नाजर जिंदा राम, हर जगह समरस साईं जी, श्याम अस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, धन धन बाबा सावन शाही मैनेजर साहिब जी, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੂਜੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਰੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਪੰਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਵਾਈ ਹੈਗਾ ਗੋਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਨਵੀਨ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ।
ते हलवाई ते बीबियां लंगर पकाने वाली गोरियां ते वानियां होंगी ना। सादा सारा प्रेम दा ही है ते साडे पूजन योग मेज जी बड़े प्रेमी जोड़दे सीगे। मैनेजर साहब दे टाइम काला वाली तो ये छोटे छोटे होंदे सी, दोने भरा बाप दे नाल जाया करदे सीगे। ओम प्रकाश, राजेंद्र जी, जगदीश, अठ दस प्रेमी, पंद्रह भी प्रेमी जाते तीन बजे सब्जी तोड़नी, फुल तोड़ने। कृष्ण जी दे नाल उन्होंने ड्यूटी बड़ी कीती। वो सेवा ही देखो रंग लाउंदी है। साडनूं तां इहनां दा बड़ा ही प्यार सी, हुण भी सत्संग दा बड़ा ही प्यार है। महीना भी दिन साडे कोले इहदे मम्मी डैडी रहे भी सी उत्थे। असी डेरे जगमाल वाली रहे हां, साडी जिंदगी सारी सानू होश ही इत्थे आके आई है। इसका बचपन दे विच इत्थे आ गए सीगे। साडा प्यार जिन्ना पहला सीगा उन्ना ही साडा प्यार हुण भी उन्ना ही प्यार है। रोम रोम दे विच, रग रग दे विच साडा प्यार। जिवें मैनेजर साहब जी सच्चे सौदे की गल करे करदे सीगे, ये सच्चा सौदा मैनेजर साहब दे हत्थीं बणिया सब कुछ, इतना प्यार। मैनेजर साहब जी सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह दी चलदी फिरदी बचन सुनाया करदे। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी दे भी मैनेजर साहब जी हरेक गल ते करया करदे सीगे। तां हुण साडे सुपने दे विच भी अज तक बाबे दी मेहर दे नाल ये डेरे दे पुराने सुपने बहुत। मैनेजर साहब जी फरमाया करदे सीगे कि तैनूं सुपने बहुत आउंदे, तू लिख लिया कर। हुण मैं लिखा की अनपढ़ की लिखा भाई, लिख लिया कर। ये गल वकील साहब दे भी सामने हुई, मित्र लिख लिया कर। बाबा जी ज्योति जोत समा गए तो वकील साहब कहन लगे यार तैनूं सुपने तो बहुत आउंदे आ। मैनेजर साहब जी कहंदे सी मंगे आउंदे आ कि तू दस्या कर यार। मैं कहा यार भुल जाना, मैं तो घंटा दो घंटे याद रहिंदे आ। सत्संगां दा बड़ा प्यार है। अज प्यारे प्रेमी आए ने, ठंड दे विच बहुत ही ठंड पै रही है। असीं भी गोरी वाले दे विचों बड़ी मुश्किल दे नाल ही आए हाँ, क्यों इस धुप दे विच बहुत रिस्क है। इस धुप दे विच बहुत रिस्क है, कोई घरों नहीं निकलता, बहुत ठंड है। अज मेरे प्यारे आए ने भाई, मैनेजर साहब सब की रक्षा कर दे। हुण वकील साहब जी देखो उत्थे आणगे, ठंड लग गई उन्होंने, उस संगत दे प्यार पिछे ही ठंड लगी उन्होंने। क्यों प्यार दे विच किन्ने किन्ने घंटे क्लास लाउणी, शरीर का ख्याल ही नहीं करते। जरा काल है ना, काल ए लड़ाई फकीर है। वह सोचता भी इना चिकर एक होर कर जो गए सिमरन क्यों कराने, कि संगत ने बिठा रखे। एक काल की लड़ाई संगत नाल है, तो यह काल में अरजाना देना पैदा है। तो देखो तकलीफ संगत कोई नहीं, तकलीफ साड़ी तकलीफ संगत से आती है। क्योंकि फकीर हमेशा दयालू होंगे ना, हरेक हौसला दबाते हैं, कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, सब दुखी जाते हैं। तो संत हमेशा दयालू होंगे ना, एक प्रेम प्यार दे दया दे समुद्र होंगे ना। पर बाबा जी कहते कानून तो कानून ही है, काल नूं अरजाना देना पैंदा। ये तो यार गर्मी है, ये तो इन्हें गाने वाले भी लाओ छेक जा मार लग गया। गर्मी के नाल सांझा चढ़ जाता, और कोई एडी एडी बागड़ी कहने ना कि आप डूम आ गए यार, डूमा पाला ज्यादा लगता है। मरासिया मरासिया बागड़ी तो डूम कह देंगे, आप मरासी कहने। हूँ आप डूम तो कौन नहीं जा रहे। कई बार गर्मी के पखा ला दें, मैं यार मैं तंदूर से रोटियां मंगा उदो ज्यादा तो गर्मी है नहीं। तो बड़ा ही प्रेम प्यार से पिछे छह महीने पहले वकील साहब जी गल हुई डेरे बारे कि बाबा जी को रहे सुपने की तरह टाइम टप गया। वकील साहब कहना गल ठीक है जी,
पता ही नहीं पिया बचपन तो लैके 98 तक कोई पता नहीं पिया भी जवानी की होंगी है बुढ़ापा की होंगे पता नहीं पिया सुपने इतना टाइम टप गया हूँ जंटा सी सब तो छोटा सी या निर्मल भी सब तो छोटा सी ये बच्चे ही आए सी घूमते घूमते मैनेजर साहब जी दो नंबर के खड़े 15-20 साधु जंटा निर्मल बाली वगैरह सारे कोठियां मूरे खड़े मैनेजर जी कहने देखो भाई हाथ करके कहने जंटा देख लो कल का जवाक है दाढ़ी चिट्टी आ गई ये बाबा जी ने बचने फरमाया कहने हाँ जी वो भी हसन लग गए मैं कहा बाबा जी दाढ़ी तो मेरी भी चिट्टी आ गई मैं ये कहता कहने तू तो भला बाबा है कि ये मैंने सही नहीं कही तू तो अगे भला बाबा है मतलब कमाल है मैं तो भांडे मांजने वाला बाबा किधरों आते लो संतान की मौज है हूँ मैं पलिए उत्थे रहा सारे बाबा बाबा मैं यार बाबा ना क्या करो चंद लागर ही आख्या करो ना जी ना इस तरह जड़िया कोठियां राजा जी के लैन लैके तो जनरेटर तक कोठियां सीगियां ये टाइया गई जो कोठियां बन गई एक कोठी दो दो साधुओं की ड्यूटी लाती मैनेजर साहब जी ने रात के 1 बजे कि लांगरी नूं बुलाओ बई मैनू भी बुलाया मैं लंगर दे विच भांडे मांजी आंदा सीगा कहिंदे बई कोठियां सारियां रुक गईआं एक डाक्टर जिहड़ा सोहण डाक्टर है ना वह कल्ला ही है ते तेरी ड्यूटी सोहण दे नाल लाती यह गल बाबा जी ने कही अच्छा तेरी फिर बणूंगी किहदे नाल के मैंने सही कहिंदे किहदे नाल बणूंगी मैं कहा जी मेरी तो थोड़े नाल ही बणूंगी धर्म नाल ही गल आखी मैं कहा मेरी तो थोड़े नाल ही बणूंगी कहिंदे चवारा सामला कहिंदे सामला चवारा ये गल बाबा जी ने आखी तो उन्होंने रहमत सी चंगा फरैंक कर बई डॉक्टर दवाई दे दिया करूँगा तो तू चाह पिया दया करें हूँ मैं तो एक रात ही वो रहा हूँ डॉक्टर को मरीजों का की है कदों ही आ जाव फिर बाबा जी कह लगे भी ऐ कर ये जरा कमरा है ना मैनेजर साहब जी ने अपने बापू जी वास्ते बनाया सीगा जिहड़ियां पहलां कोठियां होंदियां सीगियां इन्हां दे कोठियां दे पिछले पासे रेता हुंदा सी भी बाथरूम बूथरूम करना रेते च भी बुजुर्ग है वह कोठियां ढा के ते आ लमी लैंड बनाती ना वह कमरा सीगा फिर मैनेजर साहब जी ने अपने पिता जी वाला कमरा सानू दिता इहदे लई बंद करके लंगर च बार भन के वह कमरा दिता बाबा जी ने तो बाबा जी ने बई जितने भी डेरे च रेंदे सी मैनेजर साहब जी ने बच्चों की तरह सब नू रख्या बड़ा ही प्यार दिता मैनेजर साहब जी ने उन्होंने प्यार दे नाल ही वही सबक बाबा जी का प्यार जिहड़ा है हुण सानू याद आउंदा है चलदे फिरदे सौंदे जागदे बाबा जी की याद करी आउंदी है हुण डेरे च असीं जिथे जिथे भी जाने वो टाइम याद आउंदा भी इत्थे मैनेजर साहब जी ने वचन किया सी ये वचन किया सी इस तरह किया सी आ ता इस करके कहंदे ना कि वो जमाने याद आउंदे ने जिथे तैनू बाबा जी मैं देखिया सी वो टिकाने याद आउंदे ने जिथे मैं सतगुर तैनू देखिया सी वो टाइम याद आउंदा लंगर च जांदे सी बाबा जी डंगरां जांदे सी कंटीन जांदे सी दो दो तीन तीन वारी सब नू संभालदे सी जिन्हें भी डेरे च रहिंदे सीगे ते बाबा जी का बड़ा ही प्यार सी बड़ी रहमत सी हुण भी उत्थे बड़ा हुण वकील साहब किन्ना प्यार कर रहे हैं सारिया संगतां दे नाल साडे वास्ते इतना बड़ा रूहानी कारज बनाया है कि रहिंदी दुनिया तकर ये मिसाल कायम रहूगी ते बाबा जी का बड़ा प्यार है संगतां बड़े शब्द सुना रही ना हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समरथ साई जी तेरा ही आसरा उथे डेरे दे विच शादी सी शादी ब्याह सीगा अरनी वाले तो कुड़ी सी अरनी वाले तो राणिए तो मुंडा सी नामधारियों का ते अरनी वाले भी वो प्रधान सी प्रेमी बंदे ते बाबा जी लामा दा सत्संग कर रहे ने दो लामा दा पाठ पढ़ता अर्थ देते ता खुद जाने जान शहनशाह मैनेजर साहब जी क
कहिंदे भई प्रसाद का इंतजाम किया मुंडे वाले नूं पुछिया नहीं बोले फिर कुड़ी वाले भी नहीं इशारा किया भी प्रसाद का कोई वह भी नहीं बोले फिर मैनेजर साहब जी ने मैनू तो राजा जी खड़ा किया तो नाल कलोनी वाला पूर्ण तिना ने प्रसाद कंटीन च बनाया फटाफट उधर बना के फटाफट कूलर ला के ठंडा किया फिर बाबा जी की मेहर नाल प्रसाद वंडिया तो खुद बाबा जी जानी जान सी साढ़े दिलों दिया जानते सीगे वैसे तो पड़ता पा जाते सीगे पर जानी जान सी बाबा जी की उन्हां दी बड़ी रहमत सीगी कोई दिल दे विच गल छिपी हुई नहीं रहन दिंदे सीगे इह जिहड़ा साडा मन है ना जी चाहे असी संतां दे कोले किन्ना ही रह लीए यह मन मरोड़ा खाण लगा मिंट लाउंदा है अपनी मंदी चलाउंदा है सारे फकीर मिले की गल चली आँदी है कोई यह जी गल हो बाबा जी मैनू लड़े क्यों लंगर दे विच तां मैं कल्ला ही हुंदा सीगा किसी नूं चाह ना मिली तां शिकायत बागी जे कोई रोटी ठंडी मिल गई तां मैनू लड़े तां वीरवार दा दिन सीगा वीरवार नूं पानी दी वारी आ कौरियाने तो हरदम सिंह रोजाना ही आया करता सारे आया करते सी इह मोटरसाइकिल लैके आया होया सीगा रात नूं कोक बनाए सारयां नूं बनते मैं कहा भी हुण मैं जाना है रहिंदा नहीं गा दस के नहीं जाता किसी नूं मैं हरदम नूं पुछया मैं कहा भई तू कदों जाना है कहिंदा मैं तां हुणे जाऊँगा मैं कहा तू मैनू ओड़ा काला वाली कैंचीए ते तार दी कहिंदा फिर कित्थे जाएगा मैं पिंड जाऊँगा की कम है मैं कम तां मैं कहा तैनूं की दसीए कोई गल नहीं हुण ऐ नहीं दस्सिया भी आह गल हो गई कहिंदे तैनूं फिर मैं पिंड छड्डिया ना ना इत्थे तार दे साढ़े बारह बजे इत्थे काला वाली कैंची इत्थे तारता चार बजे मैं पिंड पहुँच गया उत्थे मैं जो गया तो माता कहिंदी अज किवें आ गया मैं कहा मैं तो वैसे ही आ गया तो मैनू नींद आ गई घर जाके उस टाइम जगदीश थोड़े याद होना है डेरे च मूंगफली बीजी सी हर हर के बड़े बड़े ओड़े कढ के ना हर हर दे ओड़े कट के बिच मूंगफली बीजी सी तो वह मूंगफली पट के डेरे के बिच सकाई हुई सी तो मैं जानी सुपने च डेरे च आया तो मैनेजर साहब जी तला के कोने ते मूंगफली कोल खड़े है मैं नारा लाया मैनेजर साहब जी ने मूँह फोड़ लिया मैं फिर नारा लाया फिर मूँह इधर कर लिया जानी कि चार बार ही इस तरह होया जाग आई मैं चलो सुपना ही है जो तो मैं दूजे दिन मैं आया जिथे मैं सुपने च मिले से उत्थे खड़े मैनेजर साहब जी जो मैं आके नारा लाया मैनेजर साहब दे चक्कर ला के मैं इधर दी होकर नारा लाया फिर इधर मूँह कर लिया चार बारी रात वाला नमूना मैं उत्थे उस टाइम ही दिखाया जो मैं तसली हो गई मैं क्या बाकी ठीक है फिर कहते ठीक है ना मुखियान जी तसली हो गई मुखिया हो गई जी तो ये संत जानी जान होंगे न साडा जिहड़ा मन है ना ये बड़ा जालम है ये अपनिया चला मैनेजर साहब जी फरमाया करते सेवादार बनो सेवादार किसी ते हुक्म ना चलाओ हुक्म मनन वाले बनो संगत का हुक्म मनो सारी संगत की चरण धूड़ बनो फिर फायदा उठाओगे हुण असी सारे लंबरदार बन रहे हुण सेवादार कोई नहीं रहा कोई उत्थे चटाले तला पटिया मैनेजर साहब जी सानू सारे लै गए सुरमा रहिंदा सी उत्थे हुण उत्थे कोई पानी पीउण वाला कोई ना क्यों चौधरीआं दा पिंड है बई चिट्टे कपड़े पाए कोई पानी दा ना ही ना लवे मैनेजर साहब कहिंदे बई इह चौधरीआं दा पिंड है बई ते चौधरी पणा तां इत्थे इत्थे ही है बई बड़े बड़े अफसर संत महात्मा इह सेवा करदे सी अज उहनां दा नां आपां लैंदे आ तां हुण वकील साहब देखो पढ़े लिखे सीगे देखो अपना सब कुछ छड्ड के फकीरी लैण च आ गए तो बाबा जी ने कम लैना सीगा हुण साडे वर्गे तां उत्थे डेरियां दे विच कोई बकरियां चराउंदा आ गया कोई बीमारी का मारा आ गया कोई भूतां दा मारिया आ गया इह जी असीं इत्थों कट्ठे होए सीगे पर मैनेजर साहब जी ने सब नूं इक बराबर रखिया इको जिहा प्यार दिता जिवें बच्चों नूं मां संभालदी है क्यों ये मस्ताना जी का वचन भी सी कि बच्चों ऐ रखना जिवें मापियां नूं पुत्र प्यारे तो मैनेजर साहब जी ने मस्ताना जी का बड़ा ही वचन नवाया उही वचन
हूँ सतगुरु के हुक्म देना बई वकील साहब जी नवा रहे ना तो बई आप बड़े नसीबा वाले हाँ बड़े भागा वाले हाँ संगत दूरों दूरों आदियां ने दरबार के आप बिल्कुल नज़दीक हाँ बई आप गंगा के किनारे ते बैठे भावें रोज नहाई चलो पर गंगा के किनारे रहने वाले कदे नहीं नहाते गए मैंने अच साहब फरमाया करते सीगे गुरबाणी भी आता कि भलके उठ के अमृतसर ना आवे कहिंदे मैंने साहब फरमाते हैं कि अमृतसर वाले नहीं ना सकते कि जेडे अमृतसर के बच्चे रेंदे है वो नौन वाला जो अमृतसर है वह तो संतान ने किन्ने साल पहले डिकलेयर किया है तो हूँ बनया है तो भाई बाबा जी कहते हैं कि जरा हुक्म मनना है फकीरों का हुक्म मन के जो भी कम करना सानू वो फायदा है हूँ मैं कई बार कोई गल जिते छड़ देना ना मुड़ के मैं गल भुल जाना भी कितों गल छी है गल तो कोई होर करनी होंगी है तो भाई बाबा जी का बड़ा ही प्यार है साढ़े को भरावो मैं तो एक ही गल जानता भी सानू तो ग्यन ध्यान तो आता नहीं असी तो मैनेजर साहब के टाइम कदे कोई सत्संग च नहीं बैठ के देखे क्यों साड़ी ड्यूटी लंगर चाहती सी चार छादियां हुई डेरे आने तो बाद किसी ब्याह ते नहीं गए थे टाइम ही नहीं सी लंगर च ड्यूटी होंदी सी बाबे दी रहमत सी तो उन्हां दी हुक्म दे नाल उत्ते रेडियो लग्या हुंदा सी उहदे च कोई शब्द बाणी सुनदे होर करदे सत्संग च बैठण दा कदे मौका नहीं सीगा आ जाओ अगे अच्छा महात्मा जी आए ना आ जाओ महात्मा जी उत्ते आ जाओ देखो जी साढ़े बड़े प्यारे ने बई ये वकील साहब जी को बड़ा प्यार करते हैं आ जाओ जगरूप उत्ते आ जाओ तुम भी सतपाल उत्ते आ जाओ कोई नहीं इधर तू ढिला मसा जाए इधर उत्ते आ जाओ कोई नहीं महात्मा जी कुर्सी मंगाइए एक उदो है अच्छा आ जाओ हाँ जी नहीं महात्मा जी कुर्सी में पइया नहीं जगह था अच्छा आज उठा बस 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 यार बस बस कितों तलमंडी तलमंडी तो आए हो अच्छा अच्छा वैसे तो वकील साहब जी ने उत्थे डेरे च भी दिल्ली कमरा दिता हुआ इन्हों उ भी भगती करते बेचारे साधु महात्मा अंदर का प्यार जरा वो फकीरों को पता है जी असी तो उतों तक पहुँचे नहीं सानू की पता है पर यह साढ़े जरा मालक की दरगाह से जाता है भजन करता उन्होंने कदर है इस चीज़ की मने साई के टाइम डेरे च जे मूँह पट्टी महात्मा साधु है ये भी बहुत आया करते सीगे तो डेरे च रुकया करते सीगे मैनेजर साहब जी बड़ी कदर करते सीगे बड़ा ही प्यार करते सी कोई भी साधु संत आ जाता उतों चले डेरे तो चले कालना वाली आया करते सीगे तो हूँ भी कोई महात्मा मैंने सारे टाइम आता बड़ा ही प्यार करना ये प्रेमी की निशानी है प्यार जरा है ना जोड़ा भजन करता है प्रेमी है वो ही प्यार करता है उ प्रेम करता है जे सू प्रेम नहीं पैदा होया तो समझ लो सू नाम की हवा ही नहीं लगी हूँ कई असी देखते हैं किन्ने किन्ने साल पुराने डेरे च बैठे है उन्होंने बोलन का ही नहीं पता अगले का कालजा ही कड़ लेंगे फिर भी धूड़ खाने वास्ते बैठे उ जे असी प्रेम ही नहीं करना तो घरें बैठे रहो प्रेम करके अगले का दिल मोह लो ती प्यार दे नाल फिर फायदा उठावे जोड़ा रुखा बोलना है कड़वा बोलना है ये मालकी की दरगाह मंजूर नहीं है कि मिठी बोली बोलने वाला बंदा चाहे भगती जमा नहीं करता चाहे रोजे नहीं रखता चाहे कुछ नहीं करता पर वो मालक की दरगाह सब तो पहला जाऊगा कड़वी बोली बोलन वाला चाहे किन्ने रोजे रखता है किनिया नवाजा पढ़ता है किन्ने ठंडे पानी च नहाता है किन्ना ही कुछ करता है लेकिन वह मालक की दरगाह तो सैकड़े को दूर रहूगा गुरबाणी चाहता है कि मिठ तनिमी नानका गुण चंगाइया सच सत तो देखो मालक दी घरे तो प्यार दी लोड़ है प्रेम दी लोड़ है हंकार तो रती पर भी मालक नू मंजूर नहीं मैनेजर साहब जी फरमाया करते सीगे रावण दी गल कि वो इतना टीकाकार पंडित सी कि अज तक उहदे मुकाबले का कोई होया नहीं गा पढ़िया लिखिया लेकिन उहनू हंकार सीगा
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮਾਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕੱਟਿਆ ਕਰ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਦਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਲੰਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆ ਮੇਰ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਮ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਊ ਰਾਮ ਬੁਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਗੜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਹੂ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਨਸੂੜੇ 'ਚ ਲਹੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਨਾ। ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸੌਂ ਜਾ। ਨੀਂਦ ਜੋ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਸੋਵਤ ਹੈ ਸੋ ਖੋਬਤ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਜਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਰੋ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੰਗਾੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਭਚੰਦ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਮੀ ਚੰਦ ਘਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਚੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਮਿਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਜੱਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਈ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ ਬਾਈ? ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਕੁਛ ਤਖਮਾ ਲਵਾਉਣਾ ਕੋਈ? ਸੱਚ ਆਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਬਥੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਹੈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਜਿਸਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਕਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੰਜਾਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਰਹੂ ਤਾਂ ਕਾਣਾ ਹੀ ਉਹ। ਸੱਚ ਆਖੋ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਝੂਠ ਛੁਪਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਛੁਪਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
अज हुण की टाइम है, झूठपन बहुत हो गया, एक दूजे की कोई गल मनदा ही नहीं, कोई किसी की गल कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, गल सुननी नहीं कोई चाहता गा कि यह गल मैनू क्यों कहती, घर घर के झगड़े है, सस नूं दी नहीं बनती, प्यो की मुंडे नाल नहीं बनती, क्यों नहीं बनती बई, एक दूजे की गल ही नहीं कोई सुनना चाहता। अपने तो बड़े की गल सुनो, उन्होंने जिंदगी लाई होंगी है, हड्डां दे विच दी एक कम निकलिया होंदा है, उम्र गवाई होंगी है, उन्होंने गल मनो जे फायदा उठाना है, तो निम्रता रखो, दीनता रखो, अपने तो बड़े की गल मनो, उहदे च साडे वास्ते फायदा है। हाँ जी प्रेम रूप में गुलबहार, जुग जुग से दोनों जहान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। जहान का साथी हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, ये अनमोल वचन कहता है। जद विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोके, विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोके, उदो तरले पौंदा सै बेला याद कर, बेला याद कर बंदे तू रोंदा कर लौंदा सै बेला याद कर। जद विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोके, तू तरले पौंदा सै बेला याद कर, बेला याद कर बंदे तू रोंदा कर लौंदा सै बेला याद कर। कोठड़ी के बंद सै तू, उस मालक दे रंग दे विच बदरंग सै तू, जद कर्मा दी विच कोठड़ी के बंद सै तू, उस मालक दे रंग दे विच बदरंग सै तू, अंदर अग नरक दी ताड़े तू रो रो करदा सी हाड़े, नरक दी ताड़े तू रो रो करदा सी हाड़े, ओ दुख सुणाउंदा सै बेड़ा याद कर, बेड़ा याद कर बंदे तू रोंदा कर लौंदा सै बेड़ा याद कर। तू कहंदा ते रब्बा मेरी पूरी मुराद करी, तू कहंदा ते रब्बा मेरी पूरी मुराद करी, इस काल कोठड़ी विचों मैनू आजाद करी, इस काल कोठड़ी विचों मैनू आजाद करी, हुण बख्श गुना तू मेरा फिर मैं नाम जपांगा तेरा, बख्श गुना तू मेरा फिर मैं नाम जपांगा तेरा, उदो शोर मचाउंदा सै बेला याद कर, बेला याद कर बंदे तू रोंदा कर लौंदा सै बेला याद कर, बेला याद कर बंदे आजू जद तरले पौंदा सै बेला याद कर।
कीती कृपा आया बार तू, जद सतगुरु कीती कृपा आया बार तू, एक बालक बन के बंदिया होया जाहिर तू, एक बालक बन के बंदिया होया जाहिर तू, मां दे लहू दुध बना के ओनू पी के झट लगा के, मां दे दुध नू लहू बना के ओनू पी के झट लगाओ के, फिर शुक्र मनाउंदा तैं तेरा याद कर, तेरा याद कर बंदिया तू रोंदा कर लाउंदा तैं तेरा याद कर, जद विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोगे, विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोगे, तू तरले पाउंदा तैं तेरा याद कर, तेरा याद कर बंदिया तू रोंदा कर लाउंदा तैं तेरा याद कर। अमृत पीता तू हुण विशियां दे विच फस के ना अमृत पीता तू, जे हुण वी मूर्ख बंदिया ना सिमरन कीता तू, जे हुण वी ना मूर्ख बंदिया सिमरन कीता तू, फिर याद रखी गल मेरी मुश्किल जान बचेगी तेरी, याद रखी गल मेरी मुश्किल जान बचेगी तेरी, जिसनू तू बचाउंदा तैं मेरा याद कर, तेरा याद कर बंदिया तू रोंदा कर लाउंदा तैं तेरा याद कर, जद विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोगे, जद विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोगे, तू तरले पाउंदा तैं मेरा याद कर, तेरा याद कर बंदिया तू रोंदा कर लाउंदा तैं तेरा याद कर। भेजिया सी बंदे नाम ते आवण नूं, तू ता इत्थे आके लग्या जोम कमावण नूं, तैनूं भेजिया सी बंदे नाम ते आवण नूं, तू ता इत्थे आके लग्या जुलम कमावण नूं, तैनूं भुल गया वापस जाना तैनूं कहिंदे शामस्ताना, भुल गया वापस जाना तैनू कहते शामस्ताना, वो जीता दिता खांदा तैं तेरा याद कर, तेरा याद कर बंदिया तू रोंदा कर लाउंदा तैं तेरा याद कर, जद विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोगे, विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खड़ोगे, तू तरले पाउंदा तैं तेरा याद कर, याद कर बंदिया तू रोंदा कर लाउंदा तैं तेरा याद कर, वेड़ा याद कर बंदिया वेड़ा याद कर बंदिया वेड़ा याद कर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। देखो भाई जिस टाइम बहुत सालों की पुरानी गल है, जिमें हुण धुंद किन्नी पैंदी है, उस टाइम मजलस दिने होया करदे सीगे, डेरा जगमाल वाले की गल करदा, दिने मजलस होया करदे सी, ते बेड़े दे बचाले मजलस हो रही है, पहलवान की ड्यूटी अस्पताल तो लैके 18 नंबर तक जिहड़ी लाइन बनी सीगी, जिहड़ा अपना अस्पताल हुण हैगा ये बनवारी लाल चौधरी खैली आम इन्हों कमर च रेंदे होंगे सी, तो वकील साहब जी आ जाओ अगे आ जाओ भाई चाह पानी पी के अगे आ जाओ चाह पानी पी जाओ, तो वकील साहब जी घर आ के आते भी मैं महीना दो महीने मैं चंडीगढ़ लाऊंगा, आ जाते डेरे चौटाले तो नहरे नहर पैदल आया करते सी, रस्ता इतना भयंकर सी कि दिने भी कोई आदमी उतों की लंघता नहीं सी, एक नानू राम पंडित हुंदा सी, ये दोने छोटी छोटी कंध उत्तों दी लंघ के आ जाते, 6 नंबर कोठी च फूले कोल रहा करते सी,
ਇੱਟਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕੜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮੇ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਰਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਕੀਲ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਸੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਡਾਟ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਲੀ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮਨਚੰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਡੂਢ ਮਹੀਨਾ ਮਾਤਾ ਮਟਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟਕਿਆ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਰਕ, ਪਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ 78 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਸ ਡੀ ਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਿਓ ਪੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਿਓ ਇਸ ਨਖੂਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। 6-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈਂ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਨੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਜੀ ਗੰਨੇ ਛਿਲ ਕੇ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਨੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਅੱਧ ਤਿਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅੱਧ ਤਿਕਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆਜਰਾ ਧਰਮਪਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਅਖਬੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 15-20 ਗੰਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈ? 1 ਰੁਪਈਏ ਗੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਗ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਗੰਨੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪੂਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਜਾ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਹਾਰਨ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਹਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਗਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੇਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਦੂ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜਾਊ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਮੈਂ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ। ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ, ਛੋਟੋ ਛੋਟੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ते ओ दुध रड़किया करे, रड़कना रोज़ फुट जा करे, जो घ्यो आया करे रड़कना रोज़ फुट जा करे। वो जगमाल वाली पिंड चो मंग मंग के, पिंड बड़ा सी, पांच दस रड़कने मंगे। इनू कमली तो पहले ही कहें सी, कमली है रड़कना रोज़ बन आती है। फिर देर आने लग गई, दो तीन रड़कने मैं भी देते। तो शिवरात्रि वाले दिन जो असी गए तो बार अगे खड़ी है सड़क से कि चाह पी के जान दोगे, चाह पी के जान दोगे। गए तो वह कच्चा जहा मकान है, वो रिड़कना फुटिया पै, दुध मक्खियां पिणक दियाँ। मैं क्या छोटू आ की गल हो गई? कहिंदे भाई अज दा आखिरी दिन सीगा। मैं आख्या मैं भी मर जा, मेरे जवाक भी मर जा, मेरे पशु भी मर जा, भी रोज़ मैनू कौन रिड़कने दूगा। अंदर बढ़ के देखा तो देवी देवते दी फोटो लग रही हैं, हेठ तो लैके तां तकर। वो कमरा कल्याण सिंह दे भरा दा सी, उन्हें शादी भी नहीं कराई सी, उन्हूं उहदा नाम सी बिड, सुलफा पी रहा सी बाहर बैठा। मैं कहा छोटो तू तो इन्हों का रूप बन जानी है देवी देवत्या का, तेरे दे बच्चे इन्हों का असर आ जाता, तू ए कर इन फोटो नू सारा पाड़ पाड़ दे, चूल्हे सिड़ दे। मैं तो कमल मारता बई, वो मूढ़ा लैके तो दस फोटो पाड़ पाड़ के तो चूल्हे दे जाए, जो तो पाड़िया करे तो बल जाया कर। मैं जी मुड़ के रिड़कना फुट जाए मैं चंदना आखी, मैं तो यह कहता हूँ ये बहुत कम गलत किया। अज किसी की फोटो पाड़ के देखो मुद्दा बन जूगा, किसी की फोटो नहीं पाड़ सकते, कितने भी कोई लगे वो लगे। पर मैथों तो गलती हो गई, मैनेजर साहब जी ने लाज रखी, लड़े मैनेजर साहब जी, मैं अद देरे आया लड़े, तो मुड़ के रिड़कना नहीं फुटिया, नहीं फुटिया मुड़ के। तो कल्याण सिंह लोगों ने भूत कढ़िया करता सी, मैनेजर साहब ने कहा कल्याण सिंह तैनू भूत मारनगे, जो भूतां की पूजा करता भूतां का रूप बन जाता है, जिहड़ा देवी देवतां की पूजा करता देवी देवते बन जाते हैं, तो तू ये टूने छड़ दे। हाँ जी करता रहिंदा सीगा। भंडारा होके हटिया, बाल्टी लैन आया, राह दे विच मिल गया ताया मैस दुध नहीं दिंदी, भूत आ गए, टूना किया, गल फड़िया गया। आखिर पाँच सात दिन बाद खत्म ही हो गया है जी, और ना चोला छड़ गया सीगा। तो मैनेजर साहब ने सानू बड़ा समझाया, मैनेजर साहब जी बड़ी कदर करते सीगे। हुण अफसोस की गल ये है, हुण धुंद किन्नी पै रही है, सारे नूं पता घरों नहीं कोई बाहर निकलता। तो बाबा जी की पोती की शादी सी 1 तरीक की, तो 25 तरीक की साढ़े उत्थे डेरे हिरनकूद ने एक प्रेमी ने चोला छड्डिया सीगा, साहब सिंह उहदा नाम सी, उहदी बरसी सीगी। असीं सोचा भी 25 तरीक तो बाद आवांगे, धुंद पैंदी इत्थे रह जांदे आ। इन्हें पता लग्या भी अपने बाबा जी वकील साहब भी बीमार काफ़ी हो गए, तो इतों गोरीवाल तो साडे प्रेमियां दे सारे ने फोन जाण भी वकील साहब नूं मिल के आई तू। मैं कहा जी जरूर मिल के आवांगे। तो असीं मिलण वास्ते जाण दी सलाह कीती, तो तड़के ही साढ़े एक प्रेमी का फोन आ गया, कहिंदे जी तुसीं उत्थे मिलण ना जायो। की गल, उत्थे मिलण नहीं दिंदे गे। अपोलो हस्पताल साढ़े डेरे तो 45 किलोमीटर दूर पैंदा है, 2.5-3 घंटे लगते हैं, अगे मिल नहीं देंगे। मैं चलो कोई गल नहीं। इन्हें फोन आ गया भी डेरे दे एक माता रहिंदी सी उत्थे दिल्ली 20 सालों तो, वह चोला छड्ड गई, अगे वो उत्थे डेरे ले जा रहे बजीतपुर। असीं भी बजीतपुर तो अगे 20 किलोमीटर पिंड पैंदा नारी उत्थे जाना सीगा। मैं की गल बई कि वकील साहब के भाई गए सी उत्थे बुद्ध राम, वो अजकल उत्थे बजीतपुर रहिंदे जी, कि वकील साहब के भरा नूं नहीं मिलन दिता। मैं फोन किया कई पुछया, कोई कुछ आखद, कोई कुछ आखद, कोई कुछ आखद, सच नहीं दस रहे, दुख के बच्चे पुछते ही हाँ। मैं भी चलो वकील साहब के भरा पुछते हाँ। असं बजीतपुर गए, वकील साहब का भाई मिलया, सानू चाह प्याई, 40-50 बंदे को बैठे है, अगे माता जी ने भी इतने लिया रहे हैं। मैं अच्छा चलो, मैं असं अगे जा आईए तो संस्कार करावे। मैं वकील साहब की सुना तू, कहता भी भरावा की सुनावा, 4 घंटे कहिंदा मेरी पकाई कराई, बुद्ध राम उहदा नाम वकील साहब दा पाई, 4 घंटे कोई न्याय ना दे, उतली मंजे ते लै जाण कमा देण, उतली लै जाण कमा देण। आखिर बस लड़ाई होण तो इन्नी कु बच गई, उत्थे गुजर भी पहुँच गए, होर भी पहुँच गए। बुद्ध राम कहण लग गया जदों मैं अंदर मिलिया, वकील साहब नहा के आए, इशनान करके आए, कहिंदे मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनूं कोई तकलीफ नहीं। दुख इस चीज़ का भी बाबा जी के परिवार के होके भी जी असी ना मिलाइए, किन्ने बंदे उत्थे रो रहे सी, कहिंदे यार कमाल है
कि किसी के अंदर जिन्हें भी सेवादार है किसी के अंदर अंदर दया नहीं ना रहम है। क्यों? कि धुंद के बच्च कि दूरों गड्डिया लेके लोग आते हैं किसी को मिलन तक नहीं देंगे गे। अगला तड़फ ना आता है प्यार ना आता है क्यों नहीं मिलन देंगे बई किसी के जेडे उत्थे अगे सेवादार बैठे है प्रेम प्यार की कमी है नहीं उन्होंने बोलन का ही नहीं पता। मैनेजर साहब के टाइम असं रेंदे सी कमरे भी देंदे सी चाह भी पिवाते मैनेजर साहब जी मिलते भी सी जितना ही वकील साहब जी मिलन उन्ना ही खुश रहेंदे। मैं एक गल छे महीने पहला गल की वकील साहब जिन्ना ही प्रेमियों तुम मिलोंगे उन्नी सू खुशी मिलेगी। हूँ मैंने साहब बीमार थी सारी संगत मिलती सी बिश्नोई डॉक्टर कह लग्या कि बाबा जी की तकलीफ है कि जी तकलीफ एको ही है कि मैं संगत के दर्शन नहीं कर सकता गा आई तकलीफ है संगत के दर्शन कराओ कि मैं मेरा कुछ नहीं दुखता। रघुवीर जी बीमार रहे 3 साल सबनों मिले करते घंटा घंटा गल करते रहने से मैं अफसोस के कह रहा दुख के कह रहा जोधपुर तो 3 गड्डिया आईया नवें साल वाले दिन मिलन तक नहीं दिते साढ़े को हिरन कूदने आए रात उत्थे रहे कितने जोधपुर पैदा कितने दिल्ली पैंती है देखो मिलन तक नहीं दिते भी चलो दर्शन करा दो कोई गल नहीं ना रहम है नहीं। बाबे कहते सेवादार कहदे हो बई जितने उत्थे बैठे है किसी के अंदर कानी कौड़ी नहीं है सवाए वकील साहब के वकील साहब न गल दसते नहीं गे बेचारे रोंद कलाते उत्थे आ गए हिरन कूदने उन्होंने कपड़े भी दिते रजाइया भी दतिया एक बजे तक नवा साल का शब्द बाणी गाए असी सवेरे फिर भेजते फिर भी नहीं मिलाए। बाबा जी का लड़का गोविंद जी जिन्हें घरवाली के कैंसर जी बेटिया का ब्याह से तिने मिलने वास्ते गए उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा एक चौकीदार तो अखवाता केंद्र आर्डर नहीं है जी आर्डर नहीं है मिलन का। उन्होंने आके एक प्रेमी ने फोन किया भी यार तुम जवाब दे दें चौकीदार तो जवाब दवाया उस सेवादार ने की आख्या कहते सानू थोड़ी लोड़ ही है नहीं कहता सानू थोड़ी लोड़ नहीं है भी थोनू तो लोड़ नहीं है सानू तो लोड़ है वकील साहब तक साढ़े तो जिक्र का टुकड़ा है वकील साहब सानू तो लोड़ है। इस तरह का बर्ताव हो रहा प्यार प्रेम खत्म हो गया जे भजन करन तो प्यार होवे वकील साहब इन 8-8 घंटे सिमरन से बिठा देंगे आप जाके कमर सौ जाते हैं जेडे डेरे के लंबरदार है कभी क्लास बैठे देखे तुम राजा जी वगैरह जी पूर्ण जी वगैरह जी बहते सीगे हूँ इस टाइम राजा जी सब तो उम्र के बड़े है पर उन्होंने कानी कौड़ी जी की कदर नहीं बेचार की जे असी किसी की संभाल नहीं करते कल सा भी कोई संभाल नहीं करूगा मन के चलो। मैनेजर साहब जी जान देंदे सी हरेक प्रेमी पिछे रघुवीर जी जान देंदे सी साढ़े वकील साहब को दसदा ही कोई नहीं तो भाई मैं तो दुख के कहना भी इस तरह का पता नहीं की कारण ने सारे मत मार रखी है। रिस्क दे बच्च कोई इतों कोई आने को तैयार नहीं कितने जोधपुर कितने दिल्ली 3-3, 4-4 गड्डिया गई मिलन तक नहीं दिता रोंद से बेचारे तो फिर मैं कहते मिलके नहीं आए मैं कहना मैं तसली हो गई जो वकील साहब के भाई ने बुधराम ने कहा भी बिल्कुल ठीक है मैं ना के आया साढ़े सामने ना के आए न ठीक हाँ सानू तसली हो गई उन्होंने कहते बाकी जिन्हें भी सी उत्थे जिहड़े अगे वकील साहब के कोल रहिंदे थले किसी गल ते यकीन नहीं कोई कहिंदा जी 100% ठीक है मैं कहा भी 100% ठीक है तो मिलाउंदे क्यों नहीं तुसीं बई जे 100% ठीक है तो मिलाओ तुसीं। इस तरह का टांचा चलता बड़े दुख की गल मेरे च यही बीमारी है भी मैं ये गल आखणों नहीं हटदा गा हमेशा असी डरते नहीं गए मैनेजर साहब जी ने कहा सच आखो सुखी बसो इस तरह है। हुण सेवादार पुराने बने फिरदे की खटणगे बई मैनेजर साहब जी कहिंदे सी गृहस्थी आदमी दूर बैठा फायदा ठाजूगा डेरे च रहन वाले करजाऊ हो जाणगे डेरे च रहन वाले करजाऊ हो जाणगे मैनेजर साहब जी फरमाया करदे सीगे जिहड़े गृहस्थी बंदे है वह बेचारे अपनी मेहनत करदे है दिहाड़ी करदे है नाम जपदे है सब का हुक्म बनते हैं तो बई जे असी संगत की चरण धूड़ बणांगे संगत दीआं लाणतां खावांगे जे फायदा उठावांगे फिर तो ठीक है नहीं तो लंबरदारी की 4 दिन की है ये 4 दिनों कोई चांदनी फिर अंधेरी रात पले कख नहीं साढ़ी लंबरदारी लंबरदारी है। जिदन पूर्ण जी ने चोला छड़िया मेरी सलाह सी भी 15-20 मिनट मैं
पुरानिया गल्ला दसूँगा। पूरन जी, राजा जी, नंद सिंह लंबरदार, गुरदास महात्मा, पहलवान जी, अठथा साधु, ये डेरा बन तो पहला मैनेजर साहब के नाल सीगे। असी देखते रहे हाँ पूरन जी चार चार चक्कर मारता सी कालां वाली सैकल ते, सैकल ते चक्कर मारता सी, कदे कोई समान लियाना कदे कोई समान लियाना। आ मड़ियाला छप्पड़ सी इत्थे, इट्टां इत्थों जांदियां नहीं सीगियां नहर ते, है ना मड़ियाला छप्पड़, इत्थों है जी इत्थों इट्टां जांदियां नहीं सीगियां। ते पूरन जी सैकल ते आया करता सीगा, किते पानी तक नहीं पींदा सी, इन्नी मैनेजर साहब जी की सोभत दा रंग चढ़िया होया सीगा। ते सारियां गल्लां बातां सुनाउणियां सी, लंबरदार चलो 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 चलो। अच्छा मैं तो उत्थे छुट्टी मांग ली, मैं कहा चंगा जी वकील साहब मैं जाना है। कहिंदे नहीं अंदर मिली यार, अंदर मिली, बाहर प्रेमियों मिलते मुलते रहे, अंदर जो गए तो संगत मिल रही है। तो साडे लक्ष्मण जी खड़े सीगे, वकील साहब नूं खुश करना सी मैं। मैं कहा वकील साहब जी इधर ध्यान दिओ, हाँ जी। मैं कहा आ हाथी खड़ा है पुराना हाथी, लक्ष्मण नूं हाथी आख्या। मैं कहा इहनूं छुट्टी दे दिओ जे किसे डिग पिया कईआं नूं मार दूगा। मैं कहा ऐ चौड़ियां लत्तां कर रखियां जवाक, भावें कबड्डी खेड जाणा उत्थे। बड़े खुश होए वकील साहब, खुश करना सीगा। मैं तां राजा जी कोल पा गया, कहिंदे तैनूं मैं आपे बुला लूँगा। फिर साडा भाणजा बुला के लै गया वकील साहब जी कोल, उत्थे गल्लां कीतियां, अद्धा घंटा गल्लां होईआं। फकीरां नूं खुश करो किवें करो, पर हुण पुराने हाथी बैठे आ, हुण इहनां नूं छुट्टी दित्ती जावे तां ठीक है, नहीं तां किसे दा नुकसान कर देणगे बई। एक बारी मैं उत्थे गया, अंदर सहन भरिया, बाबा जी दा परिवार की संगत बैठी, तो लक्ष्मण स्टूल ते बैठा इत्थे। मैं मस्ताना जी की फोटो बनी, सच्चे पातशाह छावण सिंह की फोटो बनी, तो मिन्ना साहब की फोटो बनी, हथ करके नमस्कार किया भी, नमस्कार भी, बाबा जी तेरी वड्याई है, आ जिहड़ा बंदा बैठा स्टूल ते ये थोड़ी रहमत नाल इत्थे बैठा है। मैं कहा लक्ष्मण तेरी कहानी सुना दें, कि मैं सुना दे। मैं कहा जिदन लक्ष्मण डेरे च आया सी दारू पी के आया सीगा, शराब पी के आया सी, किसी ने कपड़ा नहीं दिता, झोने की पराली का ढेर लगे हुआ सी बछाउण वास्ते, उहदे च मोरा जिहा कढ के खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब मैं तो किन्ना पहला बोल चुका, इन्हों समझ नहीं आई बेचारे बई है जी। तो बई आप कि गल करते सी, हाँ हाँ पराली दे, पराली के बीच में खड्डा पट के रात नूं रात रहा, जिवें सूई कुत्ती बढ़ जाती है कुतू रहन ले के। मैं कहा देखो इस, फिर सवेरे ही सुबह जब हुआ सफेदे पटाए लखा दल आया हुआ था, आठ दिन इसको सफेदे पटाए। अगे थानेदार है, थानेदार मैं ये वकील साहब ने बात बताई, कोई मरया होया आदमी था, उसकी वर्दी आई हुई थी, बाबा जी जर्सी की स्वेटर बांट रहे थे, ते मरे हुए पुलिस वाले की वर्दी वकील साहब के पवाई, ये थानेदार है। मैं क्या जी कागजा थानेदार कौन ही, जे जिसने मरे हुए आदमी की वर्दी पवाई है थान थानेदार है। ये रहमत मैनेजर साहब जी है, अज देखो स्टूल ते बैठने के काबल बनाता, स्टूल के यहाँ बैठने के काबल बना दिया, देखो। तो ये संतों की रहमत होती है भाई, बिगड़े हुए को सुधारना फकीरों की रहमत है। जितने भी फकीर आए सब छुलके छंडे आदमी आए, सबको सुधारे। गुरु नानक साहब के टाइम सदना कसाई था, कौडे रक्ष भर के ठीक करे, सजन ठग भर के ठीक करे। तो भाई बाबा जी की बड़ी रहमत थी, बाद दिल्ली भी मिले। पलिया से आया मैं एक बारी, निर्मल कहंदा बाबा जी को मिलते हैं, मिले एक घंटा बातें करी। वकील साहब जी ने कहा रोटी खा ला ऊपर। मैं ठीक है। तो गुरप्रीत रहता है ना डेरे में, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो कहंदा जी बाबा जी ने कहा मैंने दोबारे फिर मिल के जाना। मैं दोबारे कि कमरे आगे जाके बैठ जाना, मैं आके बैठ गया, दिल्ली की बात है। तो लक्ष्मण जी कहता चंद जी नीचे आओ, नीचे ले आए। मैं कहा यार मेरे को तो वकील साहब जी ने बुलाया था बात करनी है, कि तेना परनोट लेके दूँ, परनोट लिख दूँ।
मैं रात को किसी के और घर में रहा, मेरे को डेरे में से निकाल दिया इसने। तो सुबह जब मैं आया रामपुरा डेरे में तो आसाराम खड़ा है, कहने चंद जी रात वकील साहब जी याद कर रहे थे या अभी रात मैं बुलाया था, मगर यार लक्ष्मण ने मेरे को निकाल दिया, ये बात हुई। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, वकील साहब के सामने लक्ष्मण बैठा है, पीछे 50 आदमी बैठे, लक्ष्मण बात ठीक है ना, ऐसे बैठा ऐसे जिमें पुलिस वाले फीम वाले बिठाए बिठाते होंगे ऐ बैठा से हाथ, मेरी कुर्सी वकील साहब ने कने लगाई हुई थी। तो भई देखो इस तरह का हिसाब किताब है, बाबा जी की लैन को ख़राब करके रख दिया मैनेजर साहब जी की, जो लैन थी ना वो लैन को ख़राब कर दिया, बड़ी जल्दी ख़राब हो गई। तो चलो अब ये है भी अब शब्द शब्द हाँ रवि टाइम दो, क्यों मेरा तो इस तरह ही है भाई, इसनों तुम चाहे सीधी लगा लो चाहे पूठी लगा लो, हकीकत बताता हूँ मैं तो। फिर जब सफेदे पट्टे तो कुछ दो महीने पहले की बात है पूर्ण जी, हम चार आदमी नहर पर कपड़े धो रहे हैं, मनोहर था ना अपने कालाबाड़ी मंडी वाला जो रहता था कॉलोनी में, दूध का काम करता था, है जी हाँ, कहता है जी सूरमा जी कोई दया मेर कर दो, यहाँ भी क्या खवाएगा, कह जी कौंटल बर्फी, सूरमा कहता दो, कहता दो कौंटल, लिख ले भाई 12 बजे का टाइम, मेरे को अगवा बनाया एक जना और था। तो महीने 20 दिन के बाद जो सफेदे अखेड़ने लगे, जो पहला सफेदा गिरा चल मनोर दे कर, दूसरा सफेदा पड़ा चल मनोर दे कर, तो 10वें महीने दो लड़के हुए। अब फिरते मेरे को आज मिला भी था, खड़ा हो भाई खड़ा है थे, है कोई ये थे है नहीं ये थे कोई, अच्छा नहीं तो मेरे में कोई बनौटी खड़ा हो जो कोई मैं बनौटी की बात सुनावा, मैं छोटा जा बच्चा होंदा सीगा, सारे हमारे गांव में पड़ोस था जी मल सिंह, वो प्रजापत थे, तो खेत में कपास चुग रहे थे, तो नहर का मोगा लगना था, एक्सीन नहीं आना था, तो मल सिंह कहने लग गया भी एक्सीन साहब आएगा, अपने लड़कों को कहने लगा पैर ही हाथ लगा देना, वो बात माने ना, बड़ी जुदाई करी, मैं खताया क्या बात है कि यार एक्सीन नहीं आना है, पैरों को हाथ लगा दे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम तो नहीं लगाते, मैं खताया मैं लगा दूंगा मेरे की मैं फ़र्क पैदा है, मैं क्या अच्छा अगर जो एक्सीन ने पूछ लिया अभी किसका लड़का है, मैं किसका आखूँ कि मल सिंह का कहना पड़ेगा, क्यों मेरे बाप का ना तो वीर सिंह है, मैं यार किल्लत टूट दी है, मैं कहता ताया मैं प्यो वर्गा ही होंगे, जब मैं एक्सीन के पैरों को हाथ लगा दिया, एक्सीन ने कहा शाबाश शाबाश, किसका लड़का है, मैं कहीं मल सिंह का, मल सिंह का, तो उनके खेत में मोगा लाग गया। मैं कहा जी आपके दो लड़के के, हाँ मैं कहा तीन हो गए, अब मैं हिस्सेदार बन गया आपका, तो बड़े खुश हुए। तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, ताया बाप समान होता है, तो जय बाबा जी की मेहर थी, मैं शुरू से ऐसे था, ऐसे था। हाँ भी रवि भाई साढ़ा तो इस तरह चलता है, मैनेजर साहब जी दी रहमत दे साथ है, अपने गांव में गए मैनेजर साहब जी, सत के बीच में 5 गलियां पड़ती है, तो गरीबी इतनी थी घर में रोटी नहीं बनती थी, मैं कह बाबा जी अपने भी चलो चलो सरकार, मैं बाबा जी गरीबी बहुत है, घर बड़ा खुला एक ही कमरा था, कहने कौन गरीब है, मैं कह जी मारे भाई, कहने फिक्र ना कर तू कला ही बहुत है, तू अकेला ही बहुत है, 3 बारी कहा मैंने साई ने, तो मैनेजर साहब जी की रहमत हो गई भाई, पिंगले पहाड़ पर चढ़ा दिए, हाँ जी सारी रहमत मैनेजर साहब जी की है, मस्ताना जी के हाथों का प्रसाद हम खाया करते थे, हमारे बापू जी लेके आया करते सी, हाँ जी बंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह सिमरत साईं तेरा ही आसरा। उसनू क्यों भुलिया इंसाना, दिता जिस इंसानी जामा, बाणी सच सुनाउंदी वेखना मैनू जप के बंदगी पार लगाउंदी है, बंदिया वेखना मैनू जप के बंदगी पार लगाउंदी है। उसनू क्यों भुलिया इंसाना, दिता जिस इंसानी बाणी सच सुनाउंदी है, वेखना मैनू जप के बंदगी पार।
राजस्थान में गए भाई, 1 नवंबर से लेके और 12 तारीख तक प्रोग्राम चले। तो राजस्थान में गए सतगुरु के जामेर से, संगत बहुत बैठी, रात का टाइम है, उधर गरीबी भी बहुत है। तो मैं वैसे कह दिया, मैं कभी चाय चू प्यारे हो गए संगत को, चाय पिलाओगे? अब दूध का इंतजाम नहीं था। मैं कह ऐसे करो भी बरानी चाह पियाओ, मैं सबको बरानी चाह, नींबू वाली चाह पियाओ। तो डेरे में भी बाबा जी चाह बरानी बनाया करते थे, काफ़ी लोगों ने पी होनी है। बरानी चाह बहुत फर्स्ट क्लास है, नींबू वाली चाह बहुत फर्स्ट क्लास होती है। तो सारे संगत को नींबू वाली चाह पिलाई। तो डेरे में दूध नहीं था, बाबा जी कहते भी तड़का ला के चाह बनाओ। तो घी गाल के, आटा बूंद के और चाह बुन के चाह के अंदर डाल देते थे, उसको तड़के वाली चाह कहते थे। जगदीश साहब ने कभी पी होनी थे, बड़ी अच्छी बनती थी। तो राजस्थान में वो नींबू वाली चाह पिलाई और मैं पानी पी रहा, मेरे को याद आ गया दूध बिल्कुल ना पाओ। जे आदमी ने तंदुरुस्त रहना है ना, गुड़ डाल लो, थोड़ी सी पत्ती डाल लो और नींबू वाली चाह पियो, रात को सोने लगे आदमी 10% बिल्कुल ठीक रहता है, डकार आ जाती है। दूध भारी होता है, हाजमे नहीं आता। चीनी ना डालो, गुड़ डाल लो, नींबू डाल लो, पियो चाह, देखो क्या नज़ारा आता है। सादापन रहो, सादा पहनो, सादा खाओ और सतगुरु के गुण गाओ, कोई कमी नहीं आती। हाँ जी, क्यों भुले इंसाना, ये बाणी जी है सच सुनाउंदी है। किवें सुनाउंदी है? ये सच संतां के अंदर आया, उन्होंने भक्ति करी, उनका निचोड़ निकाल के बाणी दे, बाणी के अंदर उन्होंने दर्ज कर दिया। बाणी सच सुनाउंदी है, पहले संतों के अंदर बाणी आई तो फिर उन्होंने मारे लिए ये मिसाल कायम कर दी। निचोड़ निकाल के, जैसे दूध का खोआ मारा जाता है, कितना दूध होता है थोड़ा सा खोआ बनता है, इसी तरह कितनी बातों का निचोड़ निकाल के संतों ने मेहनत करके, भजन करके, जाग जाग के ग्रंथों शास्त्रों में निचोड़ निकाल के जो वचन लिखे हैं। हाँ जी, उसनु क्यों भुलिया इंसाना, दिता जिस इंसानी जामा, बाणी सच सुनाउंदी है, वेखना मैनू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है, बंदिया वेखना मैनू जप के बंदगी पार लंघाउंदी है। बंदगी पार लगाउंदी है।
ਹੋਵਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਰਵਾਸਾ ਬਾਣੀ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਏ ਬਾਣੀ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਿਆ ਇਨਸਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਿਆ ਇਨਸਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੰਦਗੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਵੇਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਦੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪੱਲੀਆ ਸੇ ਆਏ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਗਾਂਡਾ ਗਾਂਡਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਥਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ये लाभचंद जी है श्री भवान जी है होर काफ़ी थे इन्होंने पांच शब्द भी गाए बड़े खुश हुए वकील साहब हमने कहा वकील साहब आपका सत्संग है जी लेट होते हो कहने यार कोई बात नहीं सूट भी दिए छिक्के भी दिए तो मैं कहा वकील साहब एक बेनती करता हूँ मैं यहाँ जी मैं कहा बाबा जी के टाइम है सेठी साहब भी थे सेठी साहब रणबीर जी दिल्ली वाले गुरदास महात्मा ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੋਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਏ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਬਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਹੇ ਜੀ 7,000 ਦੀ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਾਨੋ 7,000 ਕੂਏ ਮੈਂ ਗੇਰ ਦਿਆ 7,000 ਕੂਏ ਮੈਂ ਗੇਰ ਦਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਬਈ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਾਰੇ ਕੋ ਸਵਾਸ ਦੀਏ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆ ਜੇ ਵਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੋਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਾਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਤੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਾਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਨਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਲਛਮਣੀਆਂ ਵਹਾਂ ਬੈਠਾ ਥਾ ਵਹੀਂ ਬੈਠਾ ਥਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਥਾ ਵੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤਲਮੰਡੀ ਸੇ ਤੀਨ ਆਦਮੀ ਆਏ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜ ਤੀਨ ਆਦਮੀ ਆਏ ਥੇ ਤਲਮੰਡੀ ਸੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਵੋ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਥ ਗਿਆ ਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਪੜਾ ਥਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਵਹਾਂ ਕਰੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋ 10-12 ਵੋ ਆਦਮੀ ਆਏ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਤ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੂੰ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੇ ਅੰਦਰ 20 ਤੋਂ ਛਾਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਗਰੀਬੋਂ ਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਮਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਾਤੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਖਾਤੀ ਹੈ ਕਣਕ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਕੋ ਗੁਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿਓ 20 ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚੋਰ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਬਿਸਕੁਟ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਨਹਿਰ ਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਸੰਗਤ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਕਾਫੀ ਆਦਮੀਓ ਕੋ ਤਾਂ ਵਿਹਰਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਾਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੜਾ ਸੂਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾ ਬਾਈ
तेरा ही आस है। हाँ मैं तो कहना लॉकडाउन फिर लग जाए, बाबे की रहमत है। और कमी किसी चीज़ की नहीं आती। ये बात मैं जो आपको बताई है ना जी, ये बात मैं वकील साहब को बता चुका हूँ। वहाँ दिल्ली में ये श्री भगवान लाभ चंद सारे थे, बड़े खुश हुए वकील साहब। 3 किले जमीन है डेरे में, 2 कनाल कम, किसे आगे हाथ नहीं कराया। और कमी नहीं आती, 2 महीने के बाद रघुवीर जी प्रोग्राम करते थे, बल्ले बल्ले है, मैनेजर साहब की रहमत है। कोई एक कमरा नहीं कोई बना सकता, कितना जल्दी। ये भक्ति थी, मस्ताना जी के बख्शे हुए थे रघुवीर जी। मैनेजर साहब जी ने थप्पड़ मारा रघुवीर जी के, कबीर भी बताया करता था कि मैनेजर तेरी गद्दी, ये गद्दी संभालेगा तेरी, इतने नहीं तो उतने सही। मैनेजर साहब जी का मस्ताना जी का हुक्म था तो डेरा इसलिए चल रहा है। वो ऐसे डेरे नहीं बनाए जाते, किसी का मकान नहीं एक बन सकता, बना के देखो। बनी बनाई दुकान में हर एक सौदा तोल देगा, गाजर मूली तोल देगा, सब्जी तोल देगा। नई दुकान बना के चलानी कितनी मुश्किल है, देख लो पड़ते आके। आज घर घर रोले पड़ रहे हैं, जो माँ बाप से अलग हो जाता है, रोटी का गुजारा नहीं चलता। तो भाई मैनेजर साहब हाजिर नाजर है, वो 24 घंटे संगत के साथ है। अगर ये हम डिमांड से कोई चीज़ मांग ली, दूध भी मांग लिया, मांगे हुआ दूध पानी बराबर है, और अपने आप किसी ने पानी दे दिया तो वो दूध बराबर है। कहने हैं ना अके मित्रां दी गुड़ दी डली पर मिश्री बराबर नहीं जानी, प्रेमियां दी गुड़ दी डली कई नून दी भी कह दें, पर मैं तो गुड़ दी आखूँगा भाई। हाँ नहीं ठीक बात है। तो भाई सबके अंदर मैनेजर साहब बैठे है, सबसे प्यार करो, सबके अंदर हाजिर नाजर है। वो चलते फिरते सोते जागते सबकी सुनता है, वो लाखों आंखों से वो देख रहा है। वो एक आंख से तो हम, 2 आंखों से हम देखते हैं, वो देखने वाला लाखों आंखों से मारे को देख रहा है भी क्या कर रहा है। इस मंदिर में बैठकर मैं बैठकर कभी लिया ना तेरा नाम, शब्द आता ना, इस मंदिर में बैठकर देख रहा भले बुरे सब काम, मैं पापी पढ़कर सो गया, कभी लिया ना तेरा नाम। ये मंदिर में बैठ के हम भजन नहीं करते, भजन करने के लिए आए हैं, पूठे कामों में पड़ गए। हाँ जी रवि होगा पूरा भाई, चलो होर किन भाई, अच्छा अच्छा कई बैठे हैं, अच्छा वाह भाई वाह। हूँ गल है भाई, असी तो वो खुसरे वाली ढोलकी बजानी बजानी है, भावें सारा दिन ही बजाई जाइए, पर हूँ तुम अपना साव थोड़ा टाइम देख लो। असी यूपी में किसी के घर में गए, घर में गए तो जिसमें घर में गए तो मुबारक से पहले खुसरे उनके घर में से निकले, ताड़ी मारते मारते मैं कभी खुसरे निकले सी खुसरे और आ गए हैं जी। वो कहते पहले आने खुसरे तो खड़ा सड़ाया हूँ बड़े खुसरे और आ गए है जी। तो बाबा जी की रहमत थी, बड़ी संगत खुश होती है। मैनेजर साहब जी की बड़ी रहमत है, हमारे को वकील साहब ने पलिया भेजा, 14 साल सुपने की तरह टाइम टप गया। मैं दुनिया को भूल गया था, इधर का सब कुछ भूल गए थे, पर जो मालिक की हुक्म है भाई उसकी दया मेहर से। राजा जी एक पहलवान और गेज महात्मा, हम चारों एक से थे अनपढ़। और मैनेजर साहब जी की रहमत थी, गेज महात्मा वर्गा कोई साधु नहीं कोई मिलना। 1 हफ्ता पहले ही कह दिया था मेरे से साहब ले लो। ये कहते हैं संतों की नाम की निशानी, ना वो कपड़ा पहनता था, ना किस को नहाता था, ना धोता था, इतनी सेवा करता था। देखो तो भाई वो सब, वो नाम सबके अंदर वो ही है, जो मेहनत करेगा वही करे है जी। बगैर मेहनत किसे ना पाया रब दा नाम खजाना। भाई आप बाबा जी के डेरे में ड्यूटी लगी है, जिस तरह पहले भी सेवा करते थे सेवा करो। सेवा जो है ये नकद मजूरी है भाई, नकद मजूरी है। मन तो बाबा जी ने भजन सिमन करो और सेवा करो, सेवा के साथ भजन बनता है। तो भाई बाबा जी की बड़ी रहमत थी, मैनेजर साहब जी ने बड़ी रहमत से सारों को प्यार दिया। काला वाले की संगत देखो कितना कितना जाया करती थी। हमारे कॉलोनी वाले कृष्ण जी, ये फूलों की गुलकंद बनानी, सब्जी तोड़नी, ये काला वाले साथ उनके रहते थे। तो जो माया बेचारी जो बहन जी है, ये दरियाँ बुनिया करती थी, सारे डेरे के अंदर देखो दरियाँ ही दरियाँ फैला दी। बाबे कहते भाई ये तो बेईमान नहीं, 3 नंबर की आगे खड़ी रहती है, रोज़ दरी बना लेती है। हम 1 कदम चलें सतगुरु मारी तरफ करोड़ कदम चलता है।
हम सतगुरु को एक दफ़ा याद करें वो हमारे को करोड़ दफ़ा याद करता है, हम एक ऐसे करें वो सैकड़े हाथ मारता है, तो सेवा में बरकत होती है भाई। तो बाबा जी की मेहर थी, पहले दरियाँ दुरियाँ कहाँ थी, सारे डेरे में दरियाँ दरियाँ, और चटाले में भी वही डेरियाँ है, गोरीवाले में भी माया की बुनी हुई दरियाँ है। तो बाबा जी ने बड़ी मेहनत कराई सेवादारों से। हाँ जी कौन, अच्छा बोल भाई। अब ये डॉक्टर साहब का पोता है, जुगल किशोर का पोता है ना तू, जुगल किशोर डेरे में आया, बाबा जी अंदर से आए, तो डॉक्टर थे बड़े अच्छे थे, मैनेजर साहब बड़ा प्यार करते थे, सारा परिवार आ रहा है, इनकी जो परदादी परदादी गेट पर आ रही है। बाबे कहते भाई आज डॉक्टर साहब कैसे आए भाई, तो डॉक्टर साहब कहते बाबा जी माता जी को दर्शन कराने के लिए ले आए हैं, दर्शन कराने के लिए ले आए हैं। कहने भाई सिमरन करो, सिमरन ही सहाई है, एक मिनट ना सिमरन छोड़ो। तो डॉक्टर साहब थोड़े से महसूस हो गए, नाराज हो गए भी, हम तो खुशी से आए थे, बाबा जी तो ऐसी ठंडी बात क्यों करते हैं। चलो बाबा जी तो अंदर से ठीक ही बोलते थे। महीने 20 दिन के बाद वो डॉक्टर साहब चंडीगढ़ गया, वहाँ उनकी डेथ होगी, डॉक्टर साहब की डेथ होगी चंडीगढ़ जाके। तो जो बाबा जी ने कहा भाई चलते फिरते सोते जागते एक मिनट भी ना छोड़ो, पता नहीं कब आदमी का टाइम आ जावे, एक कदम उठाएं दूसरे की आस नहीं है भी चक्के के ना चक्के, आदमी की मुनियाद पानी की बुलबुले वाली है, हवा निकली बस, इसी तरह हमारा शरीर का जो हाल है, एवें मेरी मेरी करते फिरते हैं भाई, पता ही नहीं बस आदमी का दम आवे ना आवे, बस की भरोसा इस दम का करें, दम आवे आवे ना आवे। हाँ जी तो महात्मा जी पलिए पलिए जाएंगे, चलोगे ना आप हमारे साथ चलोगे। अब दिल्ली जाते हैं, आज महात्मा जी को देख के मेरे याद आ गई, एक महात्मा है बगमे कपड़े वाला, वो वकील है, वो वकील है, उसका लड़का जज है, उसके घरवाली ठंडदारनी है, अपने केड़ा दस्या जी, इलाहाबाद है जी, हाँ इलाहाबाद। तो वहाँ किसी सेठ ने 10-12 जमीन के लिए लेके बगल के वहाँ गंगे रखी हुई है, वो गोबर उठाता है, एक टाइम रोटी खाता है, नंगे पैरी रहता है, जब बरसात आई 2-2 फुट पानी हो गया सारे में, तो पहलवान महात्मा ने एक तो चारपाई दी उसको, एक मच्छरदानी दी, एक साइकिल दिया, और डेरा से रोटी भेजा करता थे पहलवान जी उस महात्मा के लिए। हम जब जाते हैं बड़ा प्यार करता है, देखो दूध निकालता है, 3 बजे उठता है, तो वो कहता है मैं आऊँगा, गुड़ियाल भी आऊँगा और पलिए भी जाऊँगा। तो सतगुरु की दया मेहर से देखो कितनी बड़ी बादशाही छोड़ के आया, देखो इलाहाबाद का जज वकील, उसका लड़का जज है, देखो हाँ गऊँ के नाँ रखे हुए हैं उसने। देखो मेरी सुनो बात, फकीरी के मुकाबले में ना तो कोई बादशाही है, ना कोई पढ़ाई है, और ना कोई अमीरी है। अमीरी क्या बेचारी है, जो किमें शब्द आंदा भाई, फकीरी में आनंद जिसको, हाँ अमीरी क्या बेचारी है, जो फकीरी में आनंद है अमीरी क्या बेचारी है, अमीरी तो पैरों में रोती फिरती है भाई, अमीरी तो जहीं रह जाएगी भाई, किसी के साथ कानी कौडी नहीं जाएगी, ये शरीर भी हमारा यहीं रह जाएगा। तो जो माता जी ने जब चोला छोड़ा उसका नाम उमा देवी था, तो डेरे में एम्बुलेंस खड़ी है वहाँ रामपुरा, प्रेमियों ने किराए पर गड्डी करके ले आए जी, वो डेरे वाली एम्बुलेंस पर माता को नहीं लेके आए, यानी कि 20 साल से वो सेवा कर रही है वहाँ डेरे में घरवार छोड़ के, और डेरे वाली गाड़ी में नहीं उस माता को लेके आए, बाहर प्रेमियों ने किराए पर करके गाड़ी, 30 किलोमीटर रामपुरा से बजीतपुर पड़ता है। ये हमारे सेवादारों की सोच लगा लो या उनका प्यार लगा लो, ये आप समझ लो, नहीं डेरे में जो गाड़ी खड़ाई है वो मरीजों के लिए है, जरूरी हो जाए उनके लिए रखी है, लेकिन बाहर से किराए पर गाड़ी करके लेके गए हैं देखो। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जात पात कोई ना पूछे,
करना प्यार सिखावे पर दिंदा खुशियां ना कसे जो इसे दा हो जावे प्यारे प्यारे बोल बोल के मिठे मिठे बोल बोल के सबना नू लेंदा मो चन्ना वे तेरी चाननी तारे आवे तेरी लो सतगुरु एदा वंड रे आए दाता एदा वंड रे आए प्यार दिए खुशबू चन्ना वे तेरी चाननी तारे आवे तेरी लो एदा सहारा लेंदा पर दिंदा खुशियां ना पासे जो इसदा हो रेंदा यारे प्यारे बोल बोल के मिठे मिठे बोल बोल के सबना नू लेंदा मो चन्ना वे तेरी जाननी तारे आवे तेरी लो तारे आवे तेरी लो सतगुरु एदा वंड रे आवे दाता एदा वंड रे आवे प्यार दिए खुशबो चन्ना वे तेरी जाननी तारे आवे तेरी लो हो डिग नहीं सकदा सिर ते तेरी ओट दा त्या दूर करी जे होवे मन विच खोट दा त्या करा हक दी कमाई चंगे कम जावा लाई मेरा वालिया हौसला बनाई रखी सिर तो ना हथ चखी देवी बस चरणा च था वाहे गुरु मेरा वालिया सच्चे पातशाह Oh
तकन तेरा शुकराना कर भी ना सकया रजा तेरी बिच सबनों में सुख देवा सका मैं वाहे गुरु मेरा वालिया सचे पातशाह हौसला बनाई रखी सिर तो हाथ चुकी हाँ जी देखो बई जिमें कई बार मैंने सही कहने होने सके फकीर जे खुश हो जाए चाहे नचन से खुश हो जाए चाहे गाने से खुश हो जाए हूँ मस्ताना जी वेले कितने तकड़े तकड़े साधु सके हम मैनेजर साहब की ड्यूटी बड़ी जबरदस्त सी तो बुला सी जो बहुत ही नज़दीक होंगे सारे दसते है मिने साहिब दसते खुशी राम भी दसदा सी कि मस्ताना जी के हाथ चो रोटी खाते खो के खा जाता सीगा ए मस्ताना जी बुरकी तोड़ के मूँह पाते ना हाथ चो खो के खा जाता सीगा लेकिन मस्ताना जी खुश तो नहीं होते सी अगर खुश 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 होंगे तो बुला पाकिस्तान क्यों बैठा होता बई अजो पाकिस्तान बैठा है मुसलमान च फकीर की जड़ी खुशी है वह साढ़े जन्म जन्म के पाप तो हो जाती है चिट्ठिया आनिया मैंने साहब कहते देखो बई तुम डेर वाले बड़ी लानत है ये जो गृहस्थी लोग है अपना काम करते हैं दिहाड़ी वगैरह करते हैं तो देखो कि सिमरन करते हैं सारे बुलाते फिर काली कापी मंगवाते संगत को पता ही है सच्चे पातशाह जी साखियां सुनाया करते सी लानत मारते अच्छा तो बाबा जी लंगर च रोज जाते लंगर च रोज जाते तो मैं कहा बाबा जी गल है कि कोई तो तेनों नच के खुश कर लैंदा कोई गा के खुश कर लैंदा कोई छाल मार के खुश कर लैंदा मैं कहा जी मेरे को तो कोई तरीका नहीं बाबा जी ने फरमाया कि तू सानू ना खवा के खुश कर लै रोटी खाना आया करते ना सानू ना खवा के खुश कर लै मैं तो खुश हाँ कहते रोम रोम मेरा खुश है बाल बाल खुश है हाँ जी तो बाबा जी की रहमत सी कदे मैनेजर साहब जी ने सानू कुछ नहीं आख्या साढ़े पिंड की संगत आई सर्दी पवे ट्राली भर के तीन नंबर के खड़े है कहें बई थोड़े पिंड की संगत आई है चाह पिया बई मैंने साई ने फरमाया बे कि हैड लांगरी है मैंने साई कहें हैड लांगरी पर रखी दीनता मैंने साई कहन लगे रखी दीनता हैड लांगरी मैंने साई कहने सके तो बाबा जी की रहमत से बड़ा उन्होंने प्यार हूँ मेरे कोई गल लिखी कोई नहीं है कुदरती मेरे याद आ जाए मैं संगत को सुना दिना बस आई है बस अपना तो प्रोग्राम मलोट तीन साल पहला प्रोग्राम किया ये लाभ चंद साढ़े नाल बेचारा हमेशा आंदा पौने बारह बजे का टाइम हकीकत कहना थोनू मैं हूँ इधरों बीबिया की तरफ से कोई आदमी आवे तो जल्दी जल्दी आ नहीं सकता ऐ सैड मंगता है ढोल बज रहे हैं प्रेमी नाच रहे हैं पर उस टाइम सारे बैठे थे ढोल तो बंद हो गया जी उधर से सांड आया पीछे से और गाने बजाने वालों के कन्ने आके खड़ गया बिल्कुल फटाफट खड़े होके कोई सिर पर हाथ मारे कोई डोई पर हाथ मारे ऐसे देखे चारों तरफ डर गया मैं भी ये बाज पड़ा तो खबर कितने आदमियों को लताड़ देगा भाई अमरीकन सांड ऐसे बैठा हूँ पीछे गली बंद है पर्दे लगा रखे हैं दो तीन मिनट खड़ा रहा अपने आप ही ऐसे जाके पीछे निकल गया पीछे निकल गया किसी आदमी ने आवाज नहीं लगाई भी सांड आ गया देखो पता नहीं किधर से आया कोई मर लगी मौज हुई कोई नहीं बोलिया तो यही बात कही भी देखो भी कोई पुराना संस्कार जीव है कोई पुराना भगत है आज कितनी संगत के हाथ लग गए हैं भाई किसी ने पैर पर खाज करी किसी ने ढोई पर करी कितने आदमी खुजली करने लग गए उसके तो ये अमरीकन सांड तो वैसे ही बूछड़ जाते हैं लोगों को देख के मैं कभी ये चोला छोड़ के किसी प्रेमी के घर आएगा ये बात चलो कह दी आप तो एक प्रेमी खड़ा हो गया उसके बच्चे नहीं थे लड़कियां लड़कियां थी उसने जोड़ी कर ली कहता जी सांड तो जो हमारे को दे दो
मगर जो तो सतगुरु की मौज है, मैनेजर साहब की मौज है भाई, वो चार पांच दिनों के बाद वो सांड मर गया। तो पिछली दफा जब उनके प्रोग्राम करने गए मनचंदे की एक दुकान में, वो जो डॉक्टर की बात कर रहा था ना, उनके पोते की दुकान में गए तो ये बात मैंने सुनाई। तो जिस आदमी ने कहा था ना भी सांड मारे को दे दो, वो खड़ा हो गया, कहते जी सांड तो मारे घरे आ गया, कहना मैंने सांड ही मांगा था, कहना लड़का बन के आ गया मारे घर। तो देखो भाई, कुछ सतगुरु की रहमत होगी, कितने आदमियों के उसके ऊपर हाथ लगे, कहते जी लड़का बन के आ गया। तो ये मिनाज साहब की रहमत है, इतनी संगत के अंदर कोई खड़ा होकर माफी मांगे, बहादुरी की बात है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कई बारी बाबा जी के पास जाके अंदर जाके माफी मांगते, बाबे कहते सारी संगत से माफी मांगी, सारी संगत में खड़ा करते और चार चार पांच पांच घंटे भजन करना, फिर ठीक होगा। तो भाई संगत के अंदर जो आदमी अपनी पोल खोलेगा, मन की बेइज्जती करेगा, फिर काम सूत आएगा। अच्छा, माफी भी मांग लेनी और किसी को पता भी ना लगे, फिर नहीं काम सूत आता। तो भाई ये मन की तो बेइज्जती कर ही रखो, इस पर दबा रखो, फिर भजन कर सकता है, नहीं तो मन का त्वार कोई नहीं है, पता नहीं क्या कुछ करवा दे, मन बड़ा जबर है। हाँ जी, और कौन बोल? अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, ये भी हमारे साथ भाई कई दिन लगा के आया है। ओ भाई, हरबंस का पोता है कि मेजर सिंह, की हाल है भाई? ये साढ़े भाई काले महात्मा के चेले हैं सारे। अच्छा, ये लकड़ी के काम करता था ना काला महात्मा, ये उस टाइम काला, इनको चाह पिलानी, रोटी खवानी है जी। ले छोटे छोटे थे देखो भाई। हाँ जी, और भाई ए जोतराम बैठा है के जोतराम ना, जेड़ा अपनी साड़ी तो अजामत करया करता सी, ए मंगलवार नु आया करता सी, हैं ना उदा ना चरणजीत जी की ना सी, उदा ना जेड़ा दाढ़ी मुन्या करता सी। हाँ, आज की दिन है? मंगलवार है, नहीं आज तो ऐतवार है भाई। अच्छा हाँ, सारा ने हाँ डैडी, हाँ सुरजाराम जी, जो ये शादी करा के डेरे में आए ना भाई, सुनने की बात है, शादी करा के डेरे में आए, इन्हें दोनों भरावान के कोट पाए हुए, हूँ ये बेचारा पाले मरे, मैं कहा यार इसको पुराना ही पवा दें बेचारे, तुम नवे पा रखे है, इसको पुराना ही गला देते बेचारे को, अगर शादी है यार हो सी ना बात, तो मैं तो भाई कहनी बात कह ही देता हूँ, रिकॉर्डिंग है फिर तो। अच्छा, मैं कहा यार इसको कोई पुराना तराना ही गला देते, तो आपने तो नए डाल रखे हैं। तो भाई फरवरी, चलो भाई आपका बड़ा बड़ा प्यार है, काला बाली वाले ने बड़ा बहुत सेवा करी भाई। हाँ जी भाई, धर्मपाल भाई, आ धर्मपाल है ना जी, डेरे में रहने से पहले की बात करता हूँ, फाटक के ऊपर सत्संग हुआ, लकड़ा गदराने का था, बकरियाँ वाला गोरा गुरमुख लंबरदार जगदीश कल्याण सिंह आए, इसके दादे ने दादे की माँ ने चोड़ा छोड़ा था, बड़ा प्रसाद बांटा, बड़ा कुछ होया, फिर हम गदराना लकड़ाने गए पैदल, तो एक आदमी डेरे में रहता था, उसका नाम बनवारी था नारायण सर, गोरा गुरमुख चार पांच आदमी गए, तो वो कहने लगा कि जी गदर लकड़ाने जो डेरा है ना, गुफा में भूत रहते हैं भूत, डेरे में तो भूत रह नहीं सकते, तसल्ली करने के लिए गए, गए जब दरवाज़ा खोलिया गुफा का, उसमें बीड़ी बीड़ी पड़ी, मैं कहा बनवारी ये तो बीड़ी पड़ी है, कि हाँ बीड़ियाँ तो मैं पीता हूँ, कहना तो फिर भूतों ने तो तेरी गर्दन तोड़नी थी, भी डेरे में तू बीड़ी पी रहे हैं, प्रेमी किस नाम क्या है भाई तू, तू डरे नहीं मानता, लोगों को डर ही को नहीं, पाँच साल के बच्चे का डर मानते हैं, भी कोई ऐप पाप करते हैं बता ना दे, बच्चे का डर मानते हैं, जो हमारे अंदर सतगुरु बैठा है दो जहाँ का बाली, उसका किसी को डर ही को नहीं, जो 24 घंटे हमारे को देख रहा है उसका डर मानो, फिर हमारा बेड़ा पार हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है, बेड़ी मझदार में डकडोले खा रही है, मझदार में डकडोले खा रही है, उस सतगुरु से डरो जो दो जहाँ का बाली इस बाडी को चला रहा है, हाजिर नाजिर समझो। हाँ जी,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह सिमरत साई तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। बुरा किसी को मत कहो, खुद बुरा हो जाएगा। ये माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। वाह जी वाह। यूं मिली संसार में आवन जावन की रीत, ऐसी करनी कर चलो तोरे दुनिया गावेगी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सतगुरु बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जोर जवानी का संभल संभल कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संसार है इसका नहीं एतबार रे, मतलब का संसार है रे इसका नहीं एतबार रे। सो समझ कर चल नर बंदे, धूल नहीं अंगार रे। सो समझ कर चल नर बंदे, धूल नहीं अंगार रे। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जो खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सतगुरु बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे प्रभु का नाम अनमोल रे। लगता नहीं कुछ मोल रे ध्यान प्रभु का मोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सतगुरु बोल रे जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सतगुरु बोल रे जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ देखो भाई हमारे पास बाना जी बैठे है। जे जब डेरे में आया करता हरेक पेरे में चिट्ठी लिखा करता बाबा जी को क्या जी बाना जी को जरूर लेके आना। जैसे हमारे रवि जी की बड़ी आवाज़ प्यारी है उस टाइम बाना जी की भी बड़ी प्यारी आवाज़ थी। हरेक आदमी को मोह लेते थे। तो जे शब्द बोलया करता था बाबा तेरे दर तो खाली नहीं जाना मर के जाऊंगा या चोली भर के जाऊंगा ये शब्द बोलता। एक वो धर्मपाल का लड़का भी जाया करता था भाई बबली ये सैकड़ों पर आया करते थे। तो रात को बड़ा सेवा चलती थी। एक दिन बाबा जी कहने लगे पाना भाई आज तेरी चोली भरांगे। तसला इसको दे दिया गारा चक भाई। सारी रात इसने गारे के बटल डोए इतनी सर्दी पड़े। वो आज मैनेजर साहब जी का वचन था जोड़ी भरी है कोई कमी है भाई बाना। मैनेजर साहब जी ने कहा तेरी आज जोड़ी भरेंगे भाई तसला उठा तू। 9 बजे तसला उठाया सवेरे के 4 बज गए देखो इतनी सर्दी कमाल लगी। और सूरमा महात्मा तसले भरता था। उस टाइम तो बर्फ जमती थी तसलों में पानी जम जाता था। अब बर्फ तो नहीं जमती। तो उस टाइम बाबा जी ने वचन करे भाई बाना जी याद है तेरे को उस टाइम बिल्कुल ये पतला सा होता था बिल्कुल ही ये ढोलकी बड़ी अच्छी बजाता था। चलो हूँ तू की कहना सी भाई हाँ और कौन बोल रहा है इधर ही आ जा तू। हाँ तू भी इधर आ जा भाई। हाँ बाबा जी आपको कुछ पानी पूरी तो ले आओ भाई चाय है जी। अच्छा अच्छा बात है मैं तो बेनती ये करता हूँ भाई कोई कमी पेशी किसी में भी है तो आदमी उस बात का सुधार कर सकता है। घर में भी कोई बात हो जाए तो घर वाले कह देते हैं देखो भाई ये आपकी बात ठीक नहीं है। रसोई में जो बहना बीबियां काम करती है कोई नून मिर्च मसाला है चाय पत्ती कम है या मीठा तेज है तो कह सकते हैं देखो भाई चाय में मीठा कम गाल्या करो पत्ती कम गाल्या करो। तो सुझाव देना जरूरी है। तो आपा में जितने बैठे हैं कोई मेरे से भी कोई गलती सलती होगी वो तो खड़ा होकर सुझाव दे सकता मेरे को भी तू करड़ी बोली बोलिया या क्या बोलिया तो मेरे को भी आगे के लिए कुछ ज्ञान हो सकता है। रजिंद्र सिंह भाई कोई गल है तो दस देना भाई। रजिंद्र जी ये ओम प्रकाश जिसको चूड़ियों वाला कहते थे बाबा जी कहने लगे ओम प्रकाश रात को नहीं आए भाई कि रात किसी पड़ोसी से साइकिल मांगा था साइकिल नहीं मिला इसलिए नहीं आए। उस टाइम देखो इतनी गरीबी चलती थी। ये बात हकीकत है राजेंद्र सिंह कि साइकिल मांगा था किसी पड़ोसी से तो साइकिल मिला नहीं इसलिए रात नहीं आए। ये मेरे सामने की बात है ओम प्रकाश को बाबा जी ने कही। देखो तो भाई उस टाइम तो सारे ही ऐसे थे और मैनेजर साहब जी के जो हुक्म में रहे सेवा करी उनके हुक्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी कब आती है जब हमारे में कमी आ जाती है जब साध संगत में जाना छोड़ देते हैं
संतों का हुक्म नहीं मानते, मन मर्जी करते हैं, फिर घरों में गरीबी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, बर्दाश्त नहीं करते किसी की करते। अपने से बड़े का आदर मान करो, चाहे माता जी है, चाहे पिता जी है, चाहे भाई है, ये फायदा उठाना है तो हर एक की बात बर्दाश्त करो, वो आदमी फायदा उठाता है। किसी का मुकाबला ना करो, निम्रता से, दीनता से, प्यार से सबकी बात सुनो, फिर कोई कमी नहीं आती। कोई भी काम करना है, सारों की, परिवार वालों की राय से काम करो, भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसमें कोई कमी नहीं आती। जब घर में खींचातान हो जाती है, वो कहते हैं नहीं करना, वो कहते करना है, वो बात काम कभी सिरे नहीं चढ़ता, उसमें बरकत नहीं होती। तो सबकी राय करो, बहन भाई की राय लो, फिर उसमें वादा होता है। तो भाई भजन सुमन कराया करो, चलते फिरते सोते जागते एक मिनट भी ना छोड़ो, ये समय निकलता जा रहा है। कल वाला दिन आज नहीं आना और आज वाला कल नहीं आना, कहते ना कि नया साल है, हमेशा ही नया साल है, आज भी जो दिन आया ये ही नया साल है। तो मिनट मिनट करके हमारी उम्र कम हो रही है, एक एक मिनट करके उम्र कम हो रही है। देखते देखते आप बच्चे बच्चे थे, बूढ़े हो गए, सुबह दिन चढ़ता है इधर धूप हो जाती है, एक एक मिनट करके इधर धूप आ जाती है, इधर छाया आ जाती है। इसी तरीके से एक एक मिनट करके, घंटा करके, हफ्ता महीना करके बूढ़े हो गए, उम्र जा रही है। चाहे सो जाओ, चाहे फिरो, चाहे बैठो, कुछ करो, ये तो मीटर चलता रहेगा। तो भाई जो मालक की बंदगी में सेवा में लगाओगे, सत्संग की सेवा में लगाओगे, वो लेखे में है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बढ़िया गल्ला परम पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी दिया, महात्मा जी ने। हिंदी आती है ना? हिंदी आती है, हिंदी बोलो, महात्मा जी को समझ आए। जेड़ा हुण कोई मां बोली तो पंजाबी है जी, की करिए, आपा तो सब पंजाब में कि आपा तो रले मिले हैं यार। मैं तो बोरी वाली बोली भी बोल पैना, सिगलीगर वाली बोली भी आती है, राजस्थान भी आती है। तो भाई तू तो आप बागड़िया च रहे हो या? यार नहीं, कोई बाहर दा बादशाह ते सानू हिकमत नाल फसाया, वट के प्रेम दी डोर यार ते सानू कैदी करके बठाया। वाह वाह, चौक चगेंदी बेली मौसम नहीं ते सानू तन दा मास खवाया। की मैं सिफत करा सोहने मैनेजर साहब जी दी, जिने जिंदा राम जपाया। जिंदा राम कौन सा है भाई? मोया राम नहीं काम करता, अपने को सतगुरु ने, संतों ने जिंदा राम पकड़ाया है। वो जिंदा राम गुरबाणी में भी आता है, जगह जगह जिंदा राम का जिक्र आता है। जैसे हनुमान महाराज जी ने छाती पाड़ के राम दिखाया, वो राम सबके अंदर है, किसानों के अंदर भी है, सेठों दुकानदारों के अंदर भी है, चोरों ठगों बनवासों के अंदर भी है। उस राम की जोत सबके अंदर जगती है, कोई उस राम के खजाने से कम कोई नहीं है, पर जो उसको खोजे, जो उसको प्रकट करे। हाँ जी, बहुत सारी अपनी बातें बताई महात्मा जी ने। आप बात कर रहे थे ना कि वो मूंगफली वाली? हाँ मूंगफली थे। हाँ जी हाँ जी, तो बोले ठीक है ना जब सपना आया तो? हाँ जी हाँ जी। तो हम भी जाया करते थे रात को, जब मैनेजर साहब जी ने आपने कहा झोली भरने वाली बात। हाँ झोली भरने वाली बात। हाँ जी, तो रात को हम सेवा करके आते, डेढ़ दो ढाई बज जाते, आप हमें खिचड़ी बना के खिलाते थे, याद होगा आपको? वो तो बाबा जी का हुक्म था। एक बारी मैं आटा आटा गूंद के आया, मौसम खराब होया, बाबा कहते क्या करके आया? मैं ये आटा गूंद के आया। अच्छा मालपूड़े बन जाएंगे? मैं कहा जी मालपूड़े बड़ी मुश्किल ना आटा होगा, फिर मालपूड़े बनाओ। तो बाबा जी का टूटा फूटा जो भी वचन होया, अपने को तो पता नहीं पड़ा, बाबा जी की रहमत से होया, आप कुछ नहीं कर सकते, अब नहीं कुछ कर सकते, तो इतने आलसी हो गए बाना। हाँ। कितने आलसी हो गए, कोई कमी नहीं आलसी वाली? खिचड़ी में आप थोड़ा सा वो ना चने की दाल भी डाल। हाँ, चनों की दाल। वाह भाई वाह। तो एक दिन महात्मा जी क्या हुआ, अभी थोड़े दिनों की बात ही है। अच्छा, पिछले साल की बात है, मेरे बैठे बैठे वो ख्याल आ गया, वो सीन याद आ गया। अच्छा, कि ऐसे थे परम पूज्य मैनेजर साहब जी, और खुद पास में खड़े होके खिलाते थे हमें, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बस जब सीन याद आया तो एक दर्द सा अंदर महसूस हुआ, आंखों में आंसू आ गई, भाई
खिचड़ी खिलाते थे परम पूज्य मैनेजर साहब जी सेवादारों को बाद में जब रात को, तो बस ऐसे ख्याल में बैठा था महात्मा जी, तो ऊपर से भारती ने आवाज लगाई, डैडी आज की बनाई है फिर? देखा मैं क्या बेटा जो मर्जी बना लो खा लेंगे, आखिर आज खिचड़ी ना बना लिए? सतगुरु मैं क्या बना ला पुत्र? तो खिचड़ी बन गई, खिचड़ी लेके आई, खिचड़ी लेके आई, उसी तरह खिचड़ी में वो चने की दाल थोड़ी सी डाल दी उसने, देखा उसी तरह वो सामने खड़ी है, सामने सीन तो अब मेरे वो याद आ रहा है। तो तसल्ली मैनेजर साहब जी जब चोले में थी तो करवाते थे, अब चोले में नहीं है तो भी करवा देते हैं, हाजर नाजर मेरा, हाजर नाजर सतगुरु के, मैं अब दूर नहीं, जो तारे हैं ना तारे रात को दिखते हैं, दिन को क्यों नहीं दिखते अपने को, होते तो दिन में भी है, हाँ होते हैं। बस ये उसका राज है, ये शरीर तो जाना है, तो ऐसा मेरा सोना सतगुरु आज हम मेरे बड़े भाई महेश चंद जी की बरसी के ऊपर आप श्रद्धा के सुमन लेके आए हो, सभी सिरसा के पतवंते सज्जन और रिश्तेदार सभी को जी आया। तो बात चल रही थी कि ये हडबीती जो है ना की गल्ला सुनाई है की मैं सिफ्त करा सोने शादी जी ने जिंदा राम जपाया, तू से मैं से तू बनाने वाला मेरा सतगुरु, मैनू तू बना दंदा, तू ही तू हो जांदा, फिर सब दे अंदर वो दिसन लग जांदा। अच्छा तेरे बीच में एक बात मैं बताता हूँ जी, जब मैं पली आया करता था तो हर एक सत्संग पर मैं जगमाल वाली आता, तो दो आदमियों को छोड़ के आता वहाँ, मैं कहा वकील साहब दो प्रेमी वहाँ रहते हैं उनके लिए निशानी दे दो कि की दे, मैं सूट दे दो जी, तो वकील साहब जी ने सूट दे दिए, तो हमारे वो गुरदयाल सिंह प्रधान था आया करता था जी, तो वो डेरे वाले कपड़े पहन लिए पगड़ी बांध ली, तो डेरे से 50 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है कठार, वहाँ रात को प्रोग्राम करने आए, प्रोग्राम करके सुबह जब गाड़ी से उतर के जब डेरे जाने लगे रोड़े रोड जा रहे हैं, तो प्रधान जी के सारे रिश्तेदार जमाई दारू वाले ठेके पर खड़े हैं, सड़क पर ठेका था दारू पी रहे हैं सारे, उन्होंने देखा भी महाराज सुसरा जी आ रहे हैं, तो दूर से बोलता है वो कि हम तेरे से नहीं डरते, जो तो आपने कपड़े पहन रखे इनसे डर लगता है, तो देखो वो कपड़े डेरे के थे, हम देखो क्या करंट लग गया भाई, तो जहाँ तो मेरे को पता है जहाँ प्रधान को पता है भी कपड़े डेरे से आए हुए हैं, वकील साहब इन्हें दिए हुए हैं, देखो कहता आपके कपड़े से डर लगता तेरे से डर नहीं लगता, तो देखो कितना उनके अंदर करंट लग गया, तो जिसने संतों से नाम ले रखा है भाई उनका तो कहना ही क्या है, शराबी आदमियों को देखो सबक पढ़ा दिया, सड़क छोड़ के दूर भाग गए कि तेरे कपड़ों से डर लग रहा है तेरे से डर नहीं लगता, ससुरा जी कपड़ों से डर लग रहा है, ये बात मैंने आके वकील साहब जी को भी बताई, इसीलिए डेरा है गुरुद्वारा है मंदिर है संतों के हाथ की जो चीज़ है वो हमारे जुगो जुग के जो कर्म किए हुए हैं उनको नष्ट कर देती है, पर विश्वास होना जरूरी है, विश्वास रख के प्रसाद खाओ, प्रसाद विश्वास रख के कपड़ा पहनो भी संतों के हाथ की है पूरे भरोसे से, फिर काम बनता है। हाँ जी बाल चिराग। अच्छा फिर आज ये हमारी भतीजी बैठी है छोटी सी थी, मैं जब डेरे से साइकिल पर गया, इसको तो बात नहीं याद है कि सवेरे से करन आ गई, आज बाबा लड्डू दऊआ, आज बाबा लड्डू दऊआ, तो धूप में बैठी है, किसी के शादी थी पीछे हरिजनों के, तो वहां से कहूआ किसी बच्चे से लड्डू ले आया खोस के कैसे लगा लो, तो वो बनेरे पर बैठा बैठा उसने लाडू गेर दिया, ये कहते आ देखो बाबे ने लाडू दे दिया, बाबे ने लाडू दे दिया, गेरा तो कौए ने था पर वो वचन कौए के अंदर पूरा होया कि बाबा मैनू आज लड्डू खुआएगा, उस दिन मैं भी आया हुआ था कि आज सुबह की कर रही है कि बाबा लड्डू खुआऊगा, बाबा लड्डू खुआऊगा, और कौए ने ऊपर से लड्डू गेर दिया, देखो हकीकत की बात है जी, मेरी भतीजी बैठी है, तो विश्वास की बात है ना भाई, ये बात है, तो वो सतगुरु अब भी है, रोम रोम में रमा हुआ है, वो तो उसको याद करो कहीं नहीं गया वो।
अपनी आंख नहीं देखने वाली वो तुम्हारे साथ है, वो तो शब्द रूप में है, बॉडी वाला प्यार तो नहीं है, शब्द रूप में हमारे साथ है। हाँ जी, बाल चिराग इश्क दा यारा रोशन मेरी रूह कर दे, मैं मेरी नू मार मुका दे ते विच तू ही भर दे, ऐसा मेरा सोना सतगुर तू तो मैं बनाना, मैं तो तू बनाना ते तू तो फिर मैं भी तो बन जाना। वो तो वही जाने भाई, अनजान नू पता की डेड़े ते दूर की, किसी अखां वाले नू दिखाओ अखियां दा नूर की, वो सतगुरु जाने आपां सारे अनजान ही आ भाई, बाबा रहमत करे तो सारे जानकार। हाँ जी, मैं हाँ टुटे पत्ते वर्गा ते समय दी तेज हनेरी, अच्छा दर दर जाके खावा झोले ते कोई बाह नहीं फड़दा मेरी, वाह भाई वाह, जदों बाह फड़ी मेरे सतगुरु ने, जे तू ना फड़दा साडी बाह, जे तू ना फड़दा साडी बाह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, कर्ज कदे नहीं ला सकदे, जे दिंदा ना ठंडी छां, जे दिंदा ना ठंडी छां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना। सुनो भाई, ये डेरे बूंदी का प्रसाद डेरे का ही है, डेरे चो आया ना भाई। हाँ जी, वाह भाई वाह, देखिया भाई ठीक है, इन्हें पाने ने शब्द गाया, आ साडे कुड़ी बैठी है साडे पिंड दी, इत्थे थोड़ी काला वाली ब्याह, खड़ी हो भाई कोलो खड़ी हो, जदों मैनेजर साहब जी मारे को गोबर लैन भेजा करते ना, अमर सिंह नूं जानते थे भाई, जगिंदर सिंह जिहड़ा डेरे च रहिंदा सीगा उन्हां दी भतीजी, जी देखो सारे गांव में बेचारी गोबर तसलों से डोती, तो एक घर ऐसा था, मैनेजर साहब जी का निंदक था वो, पूरा निंदक, ये गोबर लेन गई वो कुछ उल्ट सुलट बोले, तो चलिए ये तो प्यार में गई थी, चलो पड़ोसी हैं, पता नहीं इसने क्या बोला, कहने कोई गल नहीं पाई, उनकी उसी दिन ही मैंस मर गई, मैस मर गई, वो कहन लगी भाई हूँ हूँ नहीं थोनू कुछ कहें देंगे, हूँ भावें गोहा लै जाया करो, गोहा लै जाया करो, है जी यही गल हुई भाई, देखो इसने बेचारी ने देखो बाबा जी के दरबार की बड़ी सेवा करी, माटी लगानी और करनी, तो आज देखो कोई कमी नहीं छोड़ी बाबा जी ने, है जी की आख्या भाई कोलो, हाँ बालक तो कमी नहीं छड़ता भाई, वो तो साड़ी हमारी
जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रहा है, हमारी आकांक्षा भी ज्यादा दे रहा है। मैं कहता हूं मालिक इतना का देना कि तेरे को भूल ना जाए, तेरी यादगारी बननी चाहिए। जे ज्यादा दे दिया तेरे को भूल ना जाए, कहीं तेरे को ना भूल जाए, तेरी यादगारी हमारे दिल में बनी रहे, इतना हमारे को मान देते रहना। हाँ जी दाता इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु बिल्कुल बिल्कुल हो, हाँ हो गया पूरा। कई जन्म होए बर्बाद, कई जन्म होए बर्बाद, तरसता असली फुल हुण खिले आए। जे दिंदा ना खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। अखीरलियां लाइना महात्मा जी, अखीरलियां लाइना, हुण मैं तेरी तू मेरा रस्ता छुटे ना। वाह भाई वाह, मन पर आया क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है जब याद आ जाती है, सब दी पीते हुए बेले दी याद आ जाती है, पर असली गल तो की है कि उठ भुलिया कट हस के जिंदगी। भरजाई जी उठ भुलिया कट हस के जिंदगी, ते किस गल दे चलिया रोने ने, जिउंदे जी बस मेले सजना फिर मेल दोबारा होने है, पता नहीं नहीं होने। वाह भाई वाह, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपने भाई हुण ओ की के दिन प्रोग्राम बोल दियो एक बारी, क्यों भाई कहंदे ना भी हुण संगत जा रही है, लंगर भी खा के जावे ते चाह पानी बाकी प्रसाद दिया जाएगा एक अदा है जी। हाँ बोल दे लाभ भाई। मैं तो पहली बार ही इतने, मेरा आने का कोई ख्याल नहीं सी, मैं क्या भी मैं नज़दीक नहीं ये कर सकता, सानू कोई प्रोग्राम नहीं करना आता, पर चलो सात संघ का प्यार है, अस तो मैनेजर साहब जी हाजर नज़र समझ के सब दे अंदर मैनेजर साहब जी बैठे है, सारे वकील साहब के प्यारे हैं, बड़ी सेवा करते हैं, तनो मनो सेवा करते हैं, सतगुर सब के घर बरकत पावे और भजन सिमन करन दी सतगुर हिम्मत बख्शे, सेवा करन दी भी हिम्मत बख्शे और सिमरन करन दी भी सतगुर हिम्मत बख्शे, साध संगत दे विच आउण जाण दी भी हिम्मत बख्शे। जे कहीए भी मैं जाऊँगा कदे नहीं जा सकता, बाबा तेरी रहमत होवे तां जा सकदा, तेरी रहमत के साथ ही मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं तो एक गुनाहगार हूँ, भूलन हारा जीव। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी प्यारी साध संग जीओ, सारी साध संगत दे चरणां च बेनती है, जो अपने डेरा खुशपुर धाम दरबार बोरी वाले का जो सत्संग है 14 जनवरी शनिवार रात का, जे 15 जनवरी ऐतवार दिन का सत्संग है, जो डेरा खुशपुर धाम दरबार गोरी वाले का जो सत्संग है 14 जनवरी रात का, जिसे 15 जनवरी दिन का सत्संग है, जो अपने पलिया दरबार का सत्संग है 11 मार्च 12 मार्च डेरा पलिया दरबार अंदर सत्संग है, जो भी साध संगत डेरा पलिया सत्संग ते जाना चाहते हैं तो प्रेमी
पवन कुमार चुग नाल संपर्क कर सकते हैं जो अपने पलिए दरबार का सत्संग है 11-12 मार्च तो जो सत्संगत इस सत्संग से जाना चाहते हैं वो श्री पवन कुमार चुग न सत्संगत संपर्क करके मिल सकते हैं जी। जो भी सत्संगत सत्संग पंडाल के अंदर वो सतगुरु न काफ़ी देर तो कर रहे सन याद तो साध संगत ने इस तरह ही प्रेम प्यार नाल बैठ के हुण लैणा है प्रसाद ता परिवार वालों आई हुई सारी साध संगत दे चरणां च बेनती है साध संगत ने प्रसाद लै लैणा है जी। ता आई हुई सारी साध संगत जो भी पहुंची है ता परिवार वालों बेनती है लंगर छके बिना कोई भी साध संगत ना जाए। जो भी साध संगत पहुंची है सब भैन भाई रिश्तेदारी साख संबंधी जो भी प्रेमी पहुंचे हैं ता प्रसाद लैन तो बाद साध संगत लंगर जरूर लेके जान जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समरथ साई जी तेरा ही आसरा। फिर हुण एक शब्द क्या दियो भाई मनोहर जी तैं बोलता भाई अच्छा मनोहर ने बोलता अच्छा हाँ हाँ जी कि हाँ एक सूचना हो रहा है कि अज जैन मुनि श्री अनुप मुनि जी दुकान पर आए से वो एक सूचना दे के गए है इतने अनाउंसमेंट करन नूं कि 26 जनवरी नूं गुरु प्रेम सुख हस्पताल जिथे अपनी तहसील है उत्थे एक फ्री कैंप लाया जा रहा है किसी भी रोग के बारे चंगे अच्छे डॉक्टर साहबान आएंगे अगर कोई किसी भी प्रकार की परेशानी कोई सलाह लेनी हो डॉक्टर तो अखों के बारे भी जाँच की जाऊगी तो सारे बेनती है कि 26 जनवरी तहसील के गुरु प्रेम सुख हस्पताल के अपने रोग निवारक डॉक्टर साहब ने मिल के दवाई ले सकते हो फ्री और लंगर का भी प्रोग्राम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी चलो प्रसाद दो तो एक शब्द भी सुन लो है भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। प्रसाद ले लो तो शब्द सुन के ही खड़े हो भाई अच्छा हाँ जी आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद के गए जंजीर जगत में कोई ना परमानेंट जगत में कोई ना परमानेंट कोई ना परमानेंट जगत में कोई ना परमानेंट तेल चमे लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट जगत में कोई ना परमानेंट जगत में कोई ना परमानेंट जगत में कोई ना परमानंत आह
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, हरदम याद सतगुरु जी को राखो, हरदम याद सतगुरु जी को राखो, धोती पैरो या पैड़ जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, ते चमेली चंदन साबन से लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, रे प्यारे कोई न परमानंद, राष्ट्रपति या कर्नल जनरल चाहे हो लपटी डेंट, राष्ट्रपति चाहे कर्नल जनरल चाहे हो लपटी डेंट, ओ काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो चाहे जेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, ते चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो टेंट, जगत में कोई न परमानंद, रे प्यारे कोई न परमानंद, साधु संत की संगत कर लो है सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो है सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह का इस दुस्त, लाल सिंह का इस दफ्तर से मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानंद, रित में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, धन धन सतगुरु। ये ओके साबुन थी, जैसे महात्मा जी बोल रहे थे भी तेल चमेली चाहे क्या बोल रहे थे बीच में, चंदन साबुन, ओके साबुन अपने डेरे दी भी चांदी होंदी सी, ओ लाल रंग दी साबुन होंदी जी बाबा जी के टाइम की, मैं बताता हूँ बात, डेरे में बाबा जी 2 महीने के बाद एक नाने की साबुन देते थे और 1 महीने के अंदर साबुन कपड़े धोने की, तो हम नाने वाली साबुन नहीं कभी ली, कपड़े धोने वाली 2 साबुन लेता था मैं, तो सारे लस्सी से नहाया करते थे, मटका भरा हुआ होता था लस्सी से नहाया करते थे, अब तो शमेली शमेली कई ना आ गए, सारे बीमारी का घर है, सरसों का तेल सबसे बढ़िया है, जे सब्जी में भी बनाओ तड़का लगाओ बढ़िया करो, बाकी तो है बस कुछ नहीं है, फिर भाई बाबूराम का पता लग गया चोला छोड़ गया है जी, बाबूराम भी डॉक्टर था भाई, डेरे में बहुत आया जाया करता था, हम भी बाबूराम के पास ही जाया करते थे, इनके दादाजी भी वैद्य थे कर्मचंद वैद्य, तो इनका बड़ा बड़ा प्यार, किमें भाई बीमार हो गए थे भाई, हाँ फिर जिम्मेवारी तो उनकी थी भाई, वाह भाई वाह, देखा भाई देखा यही, हाँ देखा, हाँ बस फकीर की यही निशानी है कि जीव आराम से जाएगा, बता के जाएगा, कह के जाएगा भी मैं जा रहा हूँ, ये फकीर की निशानी है, अगर ये जीव रोता चलाता गया कब, फिर कौन सा संत है, कौन सा उनका नाम है भाई, बिल्कुल चलो प्रसाद हो गया भाई, चलो भाई सिमरना 1 मिनट भी छोड़ना, चलते फिरते सोते जागते बहन आगे बेनती है भाई, लंगर पकाते समय सिमरन करा करो और बाबा जी का नाम जपया करो, तेरा ही आसरा, हाजर नाजर